आंतरिक सुरक्षा विषय वस्तु आपकी पेपर 3 से जुड़ती है, जीएस का पेपर है, 4 पेपर होते हैं जीएस का, जीएस का प्रश्न पत्र 3 पेपर जो आपका जीएस का आता है, वैसे देखा जाए तो 4 पेपर होता है, ऐसे देखा जाए तो 3 पेपर होता है। ठीक है, पहला एसए का जोड़ देते हैं, फिर GS2 GS ऐसे करके GS1 एसए के रूप में मान लेते हैं। ठीक है, तो 3 पेपर में आपका जो इकोनॉमिक्स वाला आपका टॉपिक है अर्थव्यवस्था, उसी में 3 टॉपिक और हैं। पहला टॉपिक है आपका विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, और इसके बाद 3 है आपदा प्रबंधन, और इसी से जुड़ा हुआ है आपका आंतरिक सुरक्षा सबसे लास्ट में आप देखेंगे। तो यूपीएससी के सिलेबस के दृष्टिकोण से आज की क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट होगी। मेरा प्रयास होगा कि मैं अगले 2 के अंतर्गत आपको पूरा का पूरा इंटरनल सिक्योरिटी समझा सकूँ और उसके बारे में बता सकूँ। ठीक है, 2 में मैं आपको आंतरिक सुरक्षा की जितनी भी विषय वस्तु है पूरी तरीके से आपको मैं समझा पाने में सफल होऊंगा, ये बात को लेकर के मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूँ। तो आप लोगों का काम है कि 2 तक सुनना ही है, साथ साथ यदि कोई चीज़ें मैं लिखता जाऊँ तो आपको मेरे साथ लिखते भी जाना है। ठीक है, आपको आज की क्लास आने वाले जितने भी दिन में हम डिटेल से जब पढ़ेंगे एक एक टॉपिक को, बहुत कारगर सिद्ध होगी। आज मेरा काम है कि आपके दिमाग में एक मानचित्र बना देना इंटरनल सिक्योरिटी के सिलेबस की और उससे जुड़े हुए जितने भी टॉपिक हैं। ठीक है, तो ये 2 काम करेंगे। सबसे पहले सिलेबस पे चलते हैं, आपका जीएस का सिलेबस पेपर 3 पे पहुंचते हैं। देखो सबसे पहली बात, इससे 3 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 3-4 भी हो सकते हैं। इससे एक निबंध के टॉपिक में भी आपको मदद मिलेगी, निबंध का टॉपिक एक आपका इंटरनल सिक्योरिटी से जुड़ाव रखता ही रखता है, एक ना एक टॉपिक आपका निकल आता है। इससे आपका एसए का टॉपिक भी जुड़ाव रखता है, इससे आपका आईआर का टॉपिक भी जुड़ाव रखता है, इससे आपका इतिहास का भी काफ़ी सेक्शन जुड़ेगा, हिस्ट्री भी इससे जुड़ जाएगी, बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं हैं उससे आपका काफ़ी मुद्दा सॉल्व होगा। तो ये बड़े स्तर पे मैं इसको डिस्कस करने जा रहा हूँ। इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम हमेशा करंट अफेयर्स में रहती है, हमेशा करंट में चीज़ें रहती हैं, बार बार चर्चा में बहुत सारी संस्थाएँ हैं जो आंतरिक सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए सक्रिय रूप से हमेशा सजग रहती हैं, उन संस्थाओं के बारे में भी आप पढ़ते रहते हैं। एक ऐसा मुद्दा है इंटरनल सिक्योरिटी जो कहीं ना कहीं पे आपके इमोशंस से भी जुड़ा हुआ है ना, राष्ट्रवादी भावना के साथ साथ आपकी भावनाओं से भी जुड़ा हुआ है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसलिए आज के सेशन में आप जितना सजग होकर मुझे सुनेंगे समझेंगे वैसे ही आपको एक समझ विकसित हो जाएगी देश के जितनी भी आंतरिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था को लेकर के, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के है और देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर है। ठीक है, चलो तो पहले मैं सबसे पहले सिलेबस पे ही पहुँचता हूँ। सिलेबस में आपका क्या क्या दिया गया है पहले उसको देख लेते हैं, फिर मैं जब पूरा आपको मैपिंग करूंगा पूरे टॉपिक की तब फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। मिल गया, सबसे लास्ट में लिखा हुआ है आंतरिक सुरक्षा, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनल सिक्योरिटी, तो इसमें क्या क्या है देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक इसमें दिया हुआ है विकास, इसके बारे में तो जानते ही होंगे, डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा इशू है हर चीज़ के लिए, इसी के लिए सब कुछ गवर्नमेंट कर रही है, विकास और साथ में विकास बनाम उग्रवाद। ठीक है, डेवलपमेंट का कहां तक रोल है इस समस्या को जन्म देने का, या इस समस्या का कहां तक रोल है इसको बाधित करने का। ठीक है, तो यहां पे लिखा हुआ है विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, क्या डेवलपमेंट नहीं होने से उग्रवादी समस्याओं का जन्म हुआ है या उग्रवादी समस्याओं के, है ना, तो एक ये आपके सिलेबस में है, ऐसा भी आप इसको जोड़ के हम लोग देखेंगे इसको। अगला टॉपिक है, दूसरा पॉइंट पहुंचते हैं, दूसरा है आंतरिक सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले दो प्रकार के इसमें ग्रुपों की बात की गई है। एक तो मान के चलिए कि
ऐसे ग्रुप हैं जिनको स्टेट स्पॉन्सर्ड, मतलब किसी राज्य के द्वारा उनको, है ना, राज्य प्रायोजित हैं, वो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैं, या फिर कुछ बाह्य तत्व हैं, बाह्य तत्व प्लस आंतरिक तत्व प्लस राज्य प्रायोजित, किसी दूसरे राज्य के द्वारा प्रायोजित है। ठीक, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे ऐसे कारक हैं। पहले तो हम समझेंगे ही कि आंतरिक सुरक्षा है क्या, और फिर उसकी चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक क्या हैं। इन सब विषयों पे मैं आऊँगा, मैं पहले भी सिलेबस को देख लेते हैं। अगला पॉइंट, तीसरा पॉइंट है आपका, अगला है संचार नेटवर्क के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा। जब से इंटरनेट आया है ना, सारी चीज़ें अब आपकी तकनीकी पे आधारित हो गई, तो एक ये भी बहुत बड़ा इशू निकल के आया, संचार नेटवर्क से जुड़ा हुआ मुद्दा, तो इसको भी देखेंगे। ठीक, इसके बाद अगला है आपका, अगला पॉइंट इसमें दिया गया है, आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों में मीडिया और सामाजिक नेटवर्किंग साइटों की भूमिका, है ना। आप देखते हैं बड़े स्तर पे प्रोपेगेंडा फैला करके भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है विस्तृत किया जाता है, तो उनके बारे में भी यहाँ पे मीडिया किस प्रकार से इसमें एक सजग भूमिका निभा सकती है, प्लस साथ में सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं जितनी, वो क्या कैसे कर सकते हैं। इसके बाद अगला है आपका पांचवा, ये पॉइंट अभी ही ज़्यादा पुराना नहीं है, ये मुद्दा अभी नया मुद्दा है और बहुत ही इम्पोर्टेंट बन चुका है पूरे विश्व के लिए, साइबर सुरक्षा। ये भी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कारक बन करके उभरा है। अगला है आपका धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग का मुद्दा, धन शोधन। अभी जब मैं आपको अपराधों की श्रेणी में पढ़ाऊंगा, तो एक अपराधों की श्रेणी है आर्थिक अपराध, संगठित अपराध, आर्थिक अपराध, है ना, तो उसमें इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। इसके बाद अगला है आपका, इसी में दे रखा है, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं। हमारे जितनी भी देश की सीमाएँ हैं अलग अलग स्टेट से लगती हैं, तो सीमावर्ती क्षेत्रों में आंतरिक सुरक्षा की क्या क्या चुनौतियाँ हैं अलग अलग हमें पढ़ना है। हर जहाँ से भी भारत की सीमा टच होती है, लगती है, उस देश के साथ भारत की क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वहाँ की सीमाओं को लेकर के पूरा यहाँ पे अलग अलग हमें एक एक विश्लेषण करना पड़ेगा। तो सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ क्या हैं, आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ। ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ना है। इसके बाद वहाँ पर सीमावर्ती क्षेत्रों में कौन कौन से संगठित अपराध हैं, संगठित अपराध भी मैं समझाने का प्रयास करूँगा आज आप लोगों को। जैसे कि मानव तस्करी के बारे में आप जानते हैं, मादक पदार्थों का जो है दुर्व्यापार होता है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, ऐसे बहुत सारे हैं संगठित अपराध। इसके बाद जो है आपका आतंकवाद, आतंकवाद टेररिज्म क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे आज। ठीक है, आज की क्लास में सारा पूरा सिलेबस समझाऊँगा आपको। और सबसे अंतिम टॉपिक जो है वो है सीमा प्रबंधन, सीमा प्रबंधन कैसे किया जाता है, सीमा प्रबंधन के लिए क्या मैकेनिज्म भारत में डेवलप किया गया है, हर क्षेत्र के लिए अलग अलग, क्योंकि हर क्षेत्र की अलग अलग चुनौतियाँ। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है। इसका रोल जहाँ तक मेरे दृष्टिकोण से देखें तो लगभग इसका रोल आपका निकल के आएगा 100 मार्क्स का, 100 नंबर का निकल के आएगा। यदि आप ऐसे भी उठा लें, इसकी भूमिका इतिहास में भी देख लें, इसकी भूमिका पेपर 3 में इंटरनल सिक्योरिटी के रूप में भी देख लें, या फिर आपकी जो समझ विकसित करने में करेगा, तो बहुत बड़ी भूमिका इसकी। दो दृष्टिकोणों से पढ़ना है, एक एग्जाम दृष्टिकोण से, दूसरा भारत की प्रॉब्लम्स को समझने के दृष्टिकोण से। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक को सिविल सर्विसेज के ही लिए पढ़ें, अदर भी प्रॉस्पेक्टिव हैं, क्योंकि ये हमेशा चर्चा में रहता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं पूरा इसको डिकोड करना, मैपिंग करना आपका काम है, कि जो चीज़ें आपको लगें उसे लिखते ज़रूर जाना है। ठीक है, साथ में लिखते जाएंगे, ध्यान रखिएगा, पेन कागज़ अपना ओपन रखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात, शुरुआत करते हैं पॉलिटी से, भारत की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को पढ़ना है हमें। ठीक है, तो भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे संघीय प्रणाली बनाई गई है। कैसा ढांचा है यहाँ पे? संघीय ढांचा है, फेडरल सिस्टम बना दिया गया देश के अंदर। फेडरल सिस्टम बहुत आवश्यक इसलिए भी था क्योंकि देश जो है उस समय जब भारत बन रहा था तो उस समय बड़ा विखंडित था, छोटे छोटे टुकड़ों में था, और हम ऐसा नहीं कर सकते थे कि भारत में एक एकात्मक शासन व्यवस्था को लाते, तो वो तत्कालीन परिस्थितियां हैं जिनके कारण से हमारे यहाँ पे संघीय ढांचा चुना गया। लेकिन संघीय ढांचा का स्वरूप जो बनाया गया उसमें केंद्र को ज़्यादा सशक्त बना दिया गया। संघ का मतलब होता है कुछ का समूह, है ना, जिसमें बहुत सारे राज्य हैं, जिन राज्यों के समूह से मिल करके
ठीक, इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा जिसके बारे में अभी हम समझने का प्रयास करेंगे, जानकारी रखूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भारत में ये जो फेडरल सिस्टम है इसके बारे में। फेडरल सिस्टम के अंतर्गत दो संस्थाएं, एक आपका है केंद्र, दूसरा है राज्य। दोनों के मध्य शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया है, ठीक है, केंद्र की और राज्य की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन कर दिया गया। ठीक, केंद्र को जो विषय हैं ये आपके संघ सूची में मिलते हैं। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची है, 7वीं शेड्यूल में 3 प्रकार की सूचियां हैं, जिसमें से संघ सूची में इसकी जितनी भी पावर्स हैं, कहाँ पे कानून बनाना है उस विषयों को रखा गया है, और इसकी कानून की जितनी भी विषय हैं वो राज्य सूची का विषय बना दिया गया है। देखो, भारत एक बहुत बड़ा देश है और केंद्र जो है ये ओवरऑल देखा जाए तो आप इंडिया की यदि बात करें, यदि भारत को समझना चाहें कि भाई भारत क्या है, ये आपके सामने है भारत है, यदि मैं कहूं कि ये भारत है तो आप नहीं समझ पाएंगे, ये भारत है तो नहीं समझ पाएंगे। यदि हम पूरे क्षेत्र को समझने का प्रयास करेंगे तब हमें इंडिया समझ में आएगा, लेकिन अब यहाँ पे बहुत छोटी छोटी इकाइयाँ हैं। ठीक है, तो देश को संचालित करने के लिए दो प्रकार के मुद्दों को समझा गया और इनको एक जो केंद्र को जिम्मेदारी दी गई वो पूरे देश की दी गई, जिसको आंतरिक सुरक्षा के नाम से आप जानते हैं। संघ सूची में इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी, अब इंटरनल सिक्योरिटी क्या है मैं अभी समझाने का प्रयास करूंगा। राज्य को जिम्मेदारी दी गई कानून व्यवस्था की, कानून व्यवस्था या मैं दूसरे शब्दों में इसे कहूं तो लोक व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई। अब लोक व्यवस्था, कानून व्यवस्था में क्या क्या चीजें हैं, दूसरी चीज केंद्र किस प्रकार से आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, राज्य किस प्रकार से कानून व्यवस्था का निर्वहन करता है, इन विषयों को समझना जरूरी है। लेकिन इससे पहले जरूरी है कि हम एक बार कानून के बारे में जानें कि कानून क्या है। बताइए कानून क्या है, कानून से आप क्या समझते हैं, कानून क्या चीज है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से समझते हैं, अनुच्छेद 12 बनाया गया, क्या है अनुच्छेद 12? स्टेट को डिफाइन। अनुच्छेद 13 क्या है? अनुच्छेद 13 में क्या दिया गया है? क्या है आर्टिकल 13? मौलिक अधिकारों से विधियों का संगत होना, इस विषय को जाकर के ज्यादा परिभाषित किया गया उसमें। तो वहां पर भी विधि शब्द आता है, वहां पर भी एक शब्द आ रहा है कि विधि। तो कानून है क्या फिर, कानून कहाँ से, कानून का मतलब क्या है, कानून से आप क्या समझते हैं, पहले इसको समझना जरूरी है, फिर हम कानून व्यवस्था को समझें तो ज़्यादा अच्छा है। देखो, कानून व्यवस्था राज्य सूची का विषय है, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है, राज्य सरकार की। कानून व्यवस्था को बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। अब कैसे बनाती है कानून व्यवस्था को, उस पर हम चर्चा करेंगे। सभी राज्यों पे अलग अलग राज्य सरकारें हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि उस राज्य के कानून व्यवस्था को बनाकर रखें। केंद्र इसमें हस्तक्षेप करेगा जब कानून व्यवस्था नियंत्रित करने में राज्य सरकार विफल हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए एक बार 2013 की एक घटना है, उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरपुर में दंगे हुए, है ना, दंगे हुए थे, सांप्रदायिक दंगे हुए थे, और उन सांप्रदायिक दंगों में सेंट्रल गवर्नमेंट ने हस्तक्षेप किया था, केंद्र सरकार का हस्तक्षेप था, किया था। बुलाएगा नहीं जब तक, बुलाना पड़ेगा। अच्छा चलो 26/11 पे चलते हैं। 26/11 में जो मुंबई हमला हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, तो केंद्र सरकार ने तुरंत उसमें रिएक्ट किया था कि बाद में? बाद में कैसे, वो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम थी कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम थी? अभी इस चीज को समझोगे आप बहुत अच्छे से, कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा के बीच संबंध एक ही पूरा मुद्दा है कि दोनों अलग अलग हैं कि दोनों सेम हैं।
ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी में भी हमें देश की, अब इंटरनल सिक्योरिटी को पहले समझेंगे तब इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे, पहले चलो कानून को समझते हैं। यदि कानून समझ गए तो फिर आगे हम आंतरिक सुरक्षा को समझने में दिक्कत नहीं होगी। बताओ कानून व्यवस्था के बारे में, कानून क्या है? कानून एक तरीके से सिंपल और आसान भाषा में हमारे देश में सर्वोपरि क्या है, एक विधि है जिसका नाम है संविधान। वो सभी विधियों का एक क्रमबद्ध समुच्चय है ना, सभी विधियों का आधारभूत ढांचा है संविधान। तो संविधान स्रोत है कानूनों का, पहली चीज तो ये, संविधान के द्वारा जितने भी आप लोगों को अधिकार दिए गए हैं, संविधान के द्वारा जो आधारभूत ढांचा क्रिएट किया गया है वो कानून का आधार बनाता है। दूसरा बताइए, एक तो क्या संविधान, और क्या हो सकता है कानून, कानून के अंतर्गत? ये तो दंड देने की व्यवस्था है कि आप कोई कानून का उल्लंघन करेंगे तो फिर आपको दंड दे दिया जाएगा, तो वो व्यवस्था उसमें की गई है। संसद द्वारा पारित विधियां, केंद्र सरकार के दो विधायिका द्वारा, उसका नाम ही है विधायिका, लेजिस्लेचर। तो विधायिका संसद द्वारा जो पारित विधियां हैं वो भी कानून के अंतर्गत आएंगी, बिल्कुल आएंगी। संसद किस आधार पे कानून पारित करती है, संघ सूची और राज्य सूची के विषयों पर, या संघ सूची समवर्ती सूची के विषयों पर, या संघ सूची समवर्ती सूची और राज्य सूची तीनों विषयों पर? तीनों पे संसद कानून बना सकती है, लेकिन राज्य सूची के लिए उसे राज्यसभा में एक स्पेशल संकल्प पारित कराना पड़ता है ना। तो संसद जो है कानून बनाती है तीनों सूचियों पर, ठीक, संसद के द्वारा तीनों सूचियों पर कानून बनाए जाते हैं। अगले पॉइंट पे चलते हैं, राज्य सरकारों द्वारा पारित विधियां, राज्य सरकारों द्वारा पारित विधियां ये भी कानून के अंतर्गत, कानून के स्रोत हैं, ठीक। राज्य सरकारें जो बनाती हैं राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बना सकती हैं, लेकिन यदि समवर्ती सूची का कोई विषय केंद्र सरकार के द्वारा उसी विषय पर यदि कानून बनाया गया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का कानून ज़्यादा प्रभावी होगा, ठीक है। चलो तीसरा स्रोत, अब और स्रोत क्या है बताइए, अधीनस्थ प्रशासन के, अधीनस्थ विधायन के बारे में सुना है? अधीनस्थ विधायन क्या है? क्या स्थानीय सुशासन, सब सही है। अधीनस्थ विधायन में यही है कि विधायन की जो ये बड़ी संस्थाएं हैं है ना, इनके द्वारा कुछ नियम बनाए जाते हैं, बहुत सारे कोड बनाए गए हैं, इनके द्वारा बहुत सारे विनियमन बनाए जाते हैं, विनियमन बनाए जाते हैं। नियम और कानून जो इनके द्वारा बनाए जाते हैं, यदि इन नियम और कानून को लागू कराने के लिए है ना कोई उत्तरदायी प्रशासक के द्वारा भी, उत्तरदायी प्रशासक के द्वारा भी, के द्वारा पारित आदेश, या फिर कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार प्रशासक के द्वारा पारित आदेश भी कानून के अंतर्गत आते हैं। यदि कोई पुलिस कर्मचारी है ना, उसकी जिम्मेदारी है कि वो एक क्षेत्र में, उसको लगाया गया है कि इस क्षेत्र में अव्यवस्था ना फैले, और वो आप वहाँ पर जाकर खड़े हो जाएं और यदि आपको हटाने लगे वहाँ से, तो आप ये नहीं कह सकते कि कहाँ पर लिखा है, पहले दिखाओ कि मैं यहाँ खड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि उस समय उसके द्वारा दिया गया आदेश भी आपके लिए कानून का ही काम करेगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है कानून व्यवस्था को बनाए रखना। समझ रहे हैं बात को? तो अधीनस्थ विधायन में वो सभी संस्थाएं आती हैं जो संसद और राज्य दोनों के द्वारा विधियों को, यदि ऐसे कुछ नियम और विनियमन बनाए गए हैं जिनके आधार पर वो आदेश देते हैं, जिनके आधार पर वो काम करते हैं, ठीक है। कोई भी कल के दिन आप लोग प्रशासनिक सेवाओं में जाओगे तो प्रशासनिक सेवाओं में आपके एक एक जवान का महत्व है, आपके दिए गए एक एक आदेश का महत्व है, क्योंकि वो भी विधि के रूप में ही काम करेगी, वो भी एक विधि है, ठीक है, उसका इतना तक महत्व होगा। बस ये है कि वो किसी के अधिकारों को ख़त्म न करती हो,
यदि आप नियम और कानूनों के अंतर्गत रह करके उत्तरदायी रूप से प्रशासन कार्य को संपादित करते हैं तो आपके प्रत्येक कार्य को एक कानून के रूप में माना जाएगा, चाहे वो हो चाहे ना हो। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं पर गए, वहां पर आप छापा डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, उस अवधि में यदि कोई व्यक्ति आकर के आपको बाधित कर रहा है, आपको काम को रोक रहा है, तो उस समय आपके द्वारा दिया गया आदेश भी कानून बन जाएगा। आप चाहें तो उसको तुरंत, है ना। तो आप अब ये अधीनस्थ विधायन बहुत विस्तृत है, ठीक है। तो कानून के अंतर्गत संविधान के द्वारा जितने भी आधारभूत स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया है या जो भी हमें फंडामेंटल राइट दिए गए हैं, संसद द्वारा बहुत सारे अधिनियम पारित किए गए हैं संविधान के ही स्वरूपों को ला, संसद और राज्य दोनों संविधान से ही पावर लेते हैं। संविधान ने संसद को कहा है कि मुझे संशोधित करो, है ना। संविधान ने संसद से कहा है कि राज्य के नीति सत्ता तो लागू करिए, आपका काम है, आपको मैं जिम्मेदारी देता हूं। तो संविधान ने अपनी जिम्मेदारियों को कुछ संस्थाओं को दे रखा है, बहुत सारी ऑटोनोमस बॉडी भी हैं जिनके द्वारा दिए गए कानून आदेश भी वो भी इसी के अंतर काम करते हैं। यहां तक कि न्यायालयों के द्वारा भी समय समय पर दिए गए वाद वो भी आपके इसके अंतर्गत आते हैं। तो कानून एक बहुत विस्तृत व्याख्या रखता है, ठीक। अब कानून व्यवस्था जो भी है आपकी, इसका दायित्व दिया गया है, जो भी राज्य सरकार का दायित्व है कि कानून व्यवस्था बनाए रखे, ठीक है। राज्य सरकार ये काम करती है पुलिस के द्वारा, किसके द्वारा करती है, एक संस्था बना दी गई है पुलिस। देखो पुलिस जो है ये जनता के बीच में रहती है, इसको इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है कि आपको सिविल प्रशासन में लोगों के बीच में रहना है, ठीक है। लोगों के लिए बनाई जाती है पुलिस, की लोगों की परेशानियां खत्म करे, लोगों की परेशानियां, है ना, बढ़ाए नहीं बल्कि खत्म करे। तो पुलिस जो है इसकी ट्रेनिंग अलग प्रकार की है, अलग जगह पे इसकी कार्यशैली अलग है, इसको हम अदर फोर्सेस से नहीं जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये एक अलग मुद्दा है, पुलिस सुधार को लेकर भी बहुत बड़े मुद्दे चल रहे हैं, बहुत क्वेश्चंस भी इससे अब आने आने वाले समय बनने की संभावना, उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे। हो सकता है आंतरिक सुरक्षा के लास्ट वाले टॉपिक में पुलिस सुधार की भी बात करूं, लेकिन यहां पे हम समझते हैं कि पुलिस की क्या क्या जिम्मेदारी है। हर राज्य के पास अपनी खुद की एक पुलिस व्यवस्था है, ठीक है। पुलिस का काम क्या क्या है, पुलिस के पास चार काम होते हैं, चार मुख्य काम होते हैं पुलिस के पास। पहला काम होता है पुलिस के पास अपराध की रोकथाम, अपराध होने ही ना दे, अपराध की रोकथाम पहला काम तो यह होता है पुलिस का कि अपराध होने ही ना दिया जाए, इतनी सजगता बरती जाए। समय समय पर पेट्रोलिंग के माध्यम से बहुत सारे कारक हैं जिनके माध्यम से अपराध को नियंत्रित करने का काम पुलिस करती है। पहला काम क्या है, अपराध की रोकथाम। दूसरा क्या है, यदि अपराध हो जाता, दूसरा काम है लोक व्यवस्था बनाकर रखना। अब अपराध की रोकथाम के साथ साथ लोक व्यवस्था में क्या क्या चीज़ें आती हैं, लोक व्यवस्था मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारे देश में, हमारा देश उत्सव धर्मी देश है जहाँ पे विभिन्न समय पे लगातार उत्सव होते रहते हैं, तो पुलिस का काम है भीड़ भाड़ नियंत्रित करना, भीड़ भाड़ नियंत्रित करना। समय समय पर तिथि त्यौहार जो भी आते हैं उनमें जो भी गैदरिंग होती है, पब्लिक गैदरिंग, उसको नियंत्रित कानून व्यवस्था के अंतर रखना, लोग जाएं कोई दिक्कत नहीं है लेकिन उसको तरीके से किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो। यातायात प्रबंधन करना, ये सब पुलिस के काम है। अब लोक व्यवस्था में बहुत चीज़ें आती हैं, दो तीन चीज़ों पर ही हम चर्चा कर पाएंगे, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे। यहाँ तक कि यदि उस क्षेत्र में कोई आपदा आती है तो आपदा प्रबंधन पर भी पुलिस महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का काम करती है। तो इसका एक काम है पहली बात अपराध की रोकथाम करना, दूसरा है कि लोक व्यवस्था बना कर रखना, तीसरा काम है यदि अपराध हो जाता है। मान लीजिए बहुत, ये तो आमतौर पे है कि यदि समाज होगा तो समाज में कुछ ऐसी प्रवृत्तियों के लोग होंगे या समाज में बहुत सारी समस्याएं होंगी जो अपराधों को जन्म देती हैं। अब इस पर एक पूरी डिबेट हो सकती है कि अपराध का जन्म कैसे होता है। कहा जाता है कि व्यक्ति जन्म से अपराधी नहीं होता बल्कि समाज में आकर के बहुत सारी समस्याएं उसे अपराधी बना देती हैं, तो परिस्थितियों से अपराधी बनता है व्यक्ति। तो अब अपराध यदि हो जाता है तो पुलिस का काम है कि अपराध की जाँच करना। यदि अपराध हो जाता है तो अपराध की जाँच करने की प्राथमिक एजेंसी जो है पुलिस ही है, ये भी ध्यान रखना है। हमारे देश में बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं। मैं जब अभी आप लोगों को आंतरिक सुरक्षा पढ़ाऊंगा तो मैं तीन चार प्रकार की आपको संस्थाएं पढ़ाऊंगा। पहले हैं बहुत सारे सुरक्षा बल बनाए गए हैं, गुप्तचर एजेंसियां बनाई गई हैं, जांच एजेंसियां बनाई गई हैं, और देश में बहुत सारे ऐसे कानून बनाए गए हैं जिन कानूनों के माध्यम से ये संस्थाएँ काम करती हैं।
जैसे कि अभी यूएपीए का आपने सुना होगा, अभी उस पर अमेंडमेंट भी हुआ, यूएपीए है, एनएसए है, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून है, रासुका बोलते हैं इसको, मीसा डीआईआर एक समय था, मकोका था, पोटा था, टाडा था, है ना, बहुत सारे बिल है। अभी जैसे प्रक्रिया में गुजरात में गुज कोक करके एक बिल चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बिल हैं जिनके माध्यम से ये संस्थाएँ काम करती हैं, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो अपराध यदि कहीं पर होता है तो उसकी प्राथमिक जाँच का काम किसका होता है? पुलिस का होता है। यदि पुलिस अपराध की प्रकृति बहुत ज्यादा अपने आप में भयानक है या खतरनाक है, तो वहां पर अलग जांच एजेंसियां भी हैं जो इस प्रक्रिया को अपने कब्जे में ले लेती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की भी कुछ एजेंसियां ऐसी बनाई गई हैं जो पुलिस से उस जांच व्यवस्था में सहयोग लेते हुए उस कार्य को अपने अंतर्गत ले लेती हैं। ठीक है, जैसे कि आरुषि हत्याकांड, आपने एक घटना सुनी होगी, यहीं डाशना वाले मुद्दे, यहीं पर गाजियाबाद की घटना है, तो उसमें पहले पूरी जो जांच प्रक्रिया थी पहले वो पुलिस ने की, और पुलिस के करने के बाद जो है फिर वो है ना, वो फिर किसके पास गई प्रक्रिया आपकी, फिर जा करके वो पहुंची आपकी। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है। बाद में फिर सीबीआई ने उसको जांच किया और फिर उस पर कार्य किया। ठीक है, तो इस पे बारे में भी हम समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, नेक्स्ट अगला पॉइंट। अगला है पुलिस का, अगला काम है यदि अपराध की जांच के बाद है, अगला काम है कि यदि जांच हो गई तो अभियोजन की व्यवस्था, अभियोजन, अपराध का अभियोजन करना, अपराधी को अब उसको दंड भी दिलवाना है या उसको अपराध मुक्त भी करवाना है, तो उसके लिए पुलिस जांच के बाद एक चार्ज शीट बनाती है। ठीक, पुलिस का एक काम है चार्ज शीट बनाना, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य और गवाह प्रस्तुत करना, आरोपी के विरुद्ध साक्ष्य एवं गवाह प्रस्तुत करना, और न्यायपालिका को न्यायालय के समक्ष उन्हें पहुंचाना, ताकि न्यायपालिका निष्कर्ष के आधार पे उसे दोषी या दोष मुक्त घोषित कर सके। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा चार काम पुलिस के होते हैं मुख्य रूप से जो उन्हें दिए जाते हैं। बाकी और काम पुलिसिंग व्यवस्था के अंतर्गत आते रहते हैं, बहुत सारे काम हैं जो पुलिस समय समय पर करती रहती है, उसके बारे में चर्चा हम अभी करेंगे। तो पुलिस के क्या क्या काम है, पहला मैंने आपको बताया अपराध की रोकथाम करना, पहला काम पुलिस का ये है कि अपराध की रोकथाम रहे। दूसरा काम पुलिस का है लोक व्यवस्था बना के रखना, लोक व्यवस्था में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, एक बड़ी है ना, इसको आप बड़े स्तर पे देख सकते हैं। दूसरा है अपराध की जांच करना, और तीसरा है अभियोजन। ठीक, तो देश में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी है, किसकी है कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी, राज्य सरकार की। ठीक, राज्य सरकार पुलिसिंग व्यवस्था के माध्यम से कानून व्यवस्था बनाए रखती है, ताकि आप लोग सुख चैन से पढ़ सको। ठीक, आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न हो, तो ये प्राथमिक व्यवस्था है जो कि देश की खुशहाली के लिए बहुत ज़रूरी है। ये हो गया एक काम। ठीक, अब चलते हैं आंतरिक सुरक्षा, एक दूसरा विषय है जिसका नाम, जिसको हम आंतरिक सुरक्षा के रूप में जानते हैं, आंतरिक सुरक्षा। ये क्या है बताइए, आंतरिक सुरक्षा के बारे में मुझे बताइए आप लोग। अब आप लोगों के कुछ मैं कमेंट ले लेता हूँ आंतरिक सुरक्षा में, फिर आगे चर्चा करते हैं। सर, संपर्क जैसे हमें कोई कार्य कर रहा होगा, जैसे आप पहले बोल रहे थे कि हम संपर्क नहीं थे, लेकिन 1947 में हमें ब्रिटेन द्वारा एक संपर्क कर दिया गया था। अब आप अंग्रेजी में बात कर रहे हैं, मुझे इतना नहीं समझ में आता, कहाँ पहुँच गए आप, मैं क्या पूछ रहा हूँ, मैं किस विषय वस्तु में हूँ। देखो समझते हैं अब, चलो आप लोगों से नहीं हो पाएगा। आंतरिक सुरक्षा में मुद्दा है आपका कि इंटरनल सिक्योरिटी क्या है, आंतरिक सुरक्षा किससे समझेंगे, मैं आसान भाषा में आपको समझाता हूँ। तीन पॉइंट लिखूँगा, तीन पॉइंट से शायद आप इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में समझ जाएं। पहला पॉइंट लिखता हूँ, देश की संप्रभुता की रक्षा करना, देश की संप्रभुता की रक्षा करना। अब संप्रभुता क्या है अभी समझाता हूँ, देश की संप्रभुता की रक्षा करना जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट तत्व है। ठीक, दूसरा पॉइंट,
राष्ट्र की एकता और अखंडता को बना के रखना, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता को बनाकर रखना। को बनाकर रखना एकता और अखंडता। प्रीएम्बल तो आपने पढ़ा है ना, भारत की प्रस्तावना संविधान की, उसमें ये सारे शब्द आएंगे, जितने के जितने शब्द हैं ये सारे आएंगे। अगला पॉइंट, देश में शांति और सौहार्द का वातावरण बना के रखना, शांति एवं सौहार्द में, सौहार्द का वातावरण बना के रखना। अब यहाँ पे आती है, यहाँ पे लौटी है, ये थी राज्य सरकार, ये थी आपकी स्टेट गवर्नमेंट। इसका काम कहाँ तक सीमित था? राज्य भर के अंदर, राज्य की सीमा के अंदर, इससे बाहर नहीं। कितना काम था इसका? राज्य की सीमा के अंदर ये सारी चीज़ों को मेंटेनेंस करना। राज्य की सीमा के अंदर ऐसा हो कि वहाँ पे संविधान चले, वहाँ पे संसद द्वारा पारित विधियाँ चलें, राज्य द्वारा पारित विधियाँ चलें, जो नियम कानून बनाए गए हैं उसके आधार पे जनता चले, जनता खुश रहे और अपराध न हो वहाँ पर उस क्षेत्र में। वहाँ पर अपराध के अलावा वहाँ पे लोक व्यवस्था, जो नियम कानून बनाए गए हैं उस आधार पे चीज़ें चलें। वहाँ पर जो भी यदि अपराध होते तो उन अपराधों को, अपराधियों को दोषी बनाते हुए लोगों को न्यायिक व्यवस्था तक ले जाना, ये काम था राज्य सरकार का। केंद्र सरकार में जस्ट यहाँ पे बदल गया काम, देश की संप्रभुता की बात आ गई, देश की एकता की बात आ गई, देश की अखंडता की बात आ गई, देश में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण की बात आ गई, यहाँ पे राष्ट्र की बात आ गई, राष्ट्र में सभी स्टेट आते हैं, यानी कि आंतरिक सुरक्षा जो विषय है देश संपूर्ण राष्ट्र से जुड़ा हुआ है। कानून व्यवस्था सिंगल स्टेट, उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को नियंत्रित करने के लिए जिम्मेदार है, मध्य प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश की, है ना, हर राज्य की सरकार हर राज्य की कानून व्यवस्था को अलग अलग नियंत्रित करेगी, उसके लिए हर राज्य ने अपनी अपनी पुलिसिंग सिस्टम और ढांचा बना रखा है। आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत सेंट्रल गवर्नमेंट पूरे देश के अंतर्गत एक प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम का समाधान करेगी। अब ये प्रॉब्लम क्या क्या है, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम है इसमें, ठीक है। पहली प्रॉब्लम है देश की संप्रभुता, ये क्या होती है, अब संप्रभुता को थोड़ा समझाता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया कि एक शब्द है राज्य, स्टेट, स्टेट एक बड़ा शब्द होता है, स्टेट का मतलब यहाँ पे कंट्री से है, नेशन स्टेट थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। राज्य जो है आपका मुख्य रूप से चार तत्वों से मिलकर बनता है, ये आप लोग बचपन से पढ़ते आए होंगे। पहला है एक लैंड बॉडी होनी चाहिए, यानी एक निश्चित भूभाग होना चाहिए, तो है ना, उस निश्चित भूभाग में वीरान नहीं होना चाहिए वो निश्चित भूभाग, और वहाँ पे जानवर नहीं रहने चाहिए, वहाँ पे इंसानी बसाव होना चाहिए, तब वो राज्य में आएगा। इंसानी बसाव यानी कि जनसंख्या होनी चाहिए, ठीक है। अभी भी विश्व में बहुत सारा क्षेत्र ऐसा है जो इंसानी बसाव से दूर है, इसलिए उसे राज्य की उपमा नहीं दी जा सकती। जैसे आप एक पूरा महाद्वीप है, पूरा का पूरा महाद्वीप है, जहाँ पर इंसानी बसाव नहीं है वहाँ पर कोई राज्य नहीं है, नेशन स्टेट थ्योरी से बाहर है। बहुत सारे ऐसे टापू हैं, बहुत सारे ऐसे द्वीप हैं जहाँ पर इंसानी बसाव नहीं है, ठीक है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें, एक गवर्नमेंट, अब इन सब को नियंत्रित करने के लिए, इस भूभाग को नियंत्रित करने के लिए, इन इंसानों को नियंत्रित करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए, है ना, और ये सरकार जो होगी संप्रभुता की रक्षा करेगी। यदि देखा जाए किसी भी राज्य में निश्चित भूभाग हो, इंसानी बसाव और सरकार हो, ये तीनों तत्व हों, लेकिन संप्रभुता ना हो तो वो राज्य राज्य नहीं कहलाएगा। तीनों चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि इन्होंने कहा बहुत अच्छा कि 1947 से पहले हमारे यहाँ पे निश्चित भूभाग था, इंसानी बसाव था, सरकार भी थी, लेकिन ये सरकार कैसी थी, विदेशी सरकार थी, अंग्रेज थे यहाँ पे, तो क्या भारत कोई राज्य था? भारत कोई राज्य नहीं था, नेशन स्टेट थ्योरी में इंडिया नहीं आएगा उसमें फिर, ठीक है। क्यों? क्योंकि भारत के पास संप्रभुता नहीं थी। संप्रभुता होता है कि हस्तक्षेप का अभाव, कोई भी आपके निर्णयों में हस्तक्षेप ना करे तो आप संप्रभु हैं, आप सुप्रीम पावर है आपके पास, जैसे कि आपसे ऊपर कोई नहीं। जैसे इंडिया में देखा जाए जुडिशरी सिस्टम में, तो सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है, उसने जो बोल दिया, एक बार कमिटमेंट कर दी, तो फिर वो अपने आप की ही सुनता है, किसी और की नहीं सुनता,
है ना। तो सुप्रीम कोर्ट है जिसको संप्रभु कहा जा सकता है, सुप्रीम पावर है उसके पास। उसी प्रकार से देश यदि कोई निर्णय लेता है तो उस निर्णय में कोई हस्तक्षेप ना हो, यह हस्तक्षेप आंतरिक और बाह्य दोनों हो सकता है, ठीक है। राष्ट्र के निर्णयों में कोई दूसरा नियंत्रित करने की कोशिश ना करे किसी भी प्रकार की पॉलिसी, है ना। तो ये जो है आपका संप्रभुता होता है। संप्रभुता सबसे इंपॉर्टेंट तत्व है कि जो राष्ट्र के द्वारा डिसीजन लिया जाना हो सिर्फ राष्ट्र ले, कोई और ना ले, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मुद्दा है इस पे। तो देश की संप्रभुता बना के रखना पहला काम ये करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को काम करना है कि कोई दूसरा आकर के हमारी संप्रभुता का क्षरण ना कर ले, हमारी नीतियों को नियंत्रित ना करे, पहली चीज तो ये करना है। ये भी इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है। देश ऐसा ना हो जाए कि देश के अंदर अलगाववादी शक्तियों का जन्म हो जाए, अलगाववादी शक्तियों का, सांप्रदायिक शक्तियों का, जिससे देश की एकता भंग हो जाए। देश में बहुत सारे ऐसे संगठनों का जन्म हो जाए जो संगठन राष्ट्र के संविधान को नकार दें। तो हमें राष्ट्र की एकता बना के रखना है, देश को अक्षुण बना के रखना है, एक बनाकर रखना है, तो देश की अखंडता बना के रखना है। और देश में शांति और सौहार्द, देश की जनता में शांति और सौहार्द का वातावरण विकसित करके रखना है। ये काम है इंटरनल सिक्योरिटी के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है। और भी कुछ काम इनको दिए गए हैं, जैसे कि भारत की अभिसी के अंतर्गत सब कुछ आ जाएगा जितने शब्द मैं बोलूंगा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का की सुरक्षा या उनका प्रबंधन, भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित रहें, ये भी आपका संप्रभुता के अंतर्गत आता है या राष्ट्र की एकता और अखंडता के अंतर्गत आता है। अलगाववादी, राष्ट्रवादी, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का देश के अंदर जन्म नहीं होना, उनको वहां से देश के अंदर ऐसा वातावरण ना बने कि लोग जो है राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त हो जाएं, ठीक है। तो उसके प्रति अंकुश लगाना ऐसी गतिविधियों में। अगला पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता को बनाए रखना, संविधान को सबसे ऊपर बना के रखना, यह भी जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की। तो ये दो विषय हैं, पहला विषय है आपका कानून व्यवस्था और दूसरा विषय है आंतरिक सुरक्षा। कानून व्यवस्था और दूसरा विषय है आपका आंतरिक सुरक्षा। ये क्या है, इसका क्षेत्र कितना है, ये क्या है, इसका क्षेत्र कितना है, समझ पाए। इसका क्षेत्र एक राज्य के अंदर है, इसका क्षेत्र पूरे देश के अंदर है। इसके लिए जिम्मेदार संस्था राज्य सरकार है, उस क्षेत्र की राज्य सरकार है। और जब यहाँ की इस राज्य की कानून व्यवस्था आंतरिक सुरक्षा को चुनौती देने लग जाएगी तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस पर हस्तक्षेप कर देगी, ठीक है। और यहाँ के लिए जिम्मेदार संस्था केंद्र सरकार है। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है आंतरिक सुरक्षा बना के रखना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है कानून व्यवस्था बना के रखना। और कानून व्यवस्था यदि बिगड़ी, आंतरिक सुरक्षा तक बात पहुंच गई, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट उसमें इंटर कर जाएगा और उस प्रॉब्लम को अपने हाथ में ले लेगा उसको मेंटेनेंस करने के लिए, ठीक है। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं। इनके लिए हमारे सरकार ने एक ढांचा बनाया जिसका नाम है होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय। राज्यों में भी गृह मंत्री होता है, हर राज्य में एक जो है वहाँ पे कानून व्यवस्था बनाने के लिए एक विधि मंत्री होता है, और सेंट्रल गवर्नमेंट में गृह मंत्रालय बनाया गया है पूरा काम। तो आंतरिक सुरक्षा को संभालने का काम गृह मंत्रालय द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय का काम होता है कि इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेनेंस करके रखे, उसकी जिम्मेदारी है, ठीक है। गृह मंत्रालय हमारे देश में इस संस्था का काम है कि आंतरिक सुरक्षा को बना के रखे। अब आंतरिक सुरक्षा में क्या क्या चीज़ें करनी है इसको समझते हैं, आंतरिक सुरक्षा प्रबंधन को समझते हैं। ये चीज़ें है ना, समझ में आ रही है ना, हाँ। जहाँ भी समझ में ना आए वहाँ पर रुक करके हम चर्चा कर सकते हैं। अब आंतरिक सुरक्षा का प्रबंधन कैसे होता है, पहली बात समझते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियाँ क्या क्या हैं पहले ये समझते हैं। आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौतियां क्या क्या हैं, देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, ये आपके सिलेबस में भी दिया गया है, एक एक करके समझते हैं। भारत एक बहुधर्मीय देश है, बहुत सारे धर्म निवास करते हैं, और बहुधर्मी के साथ साथ भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष देश भी है। सिक्योरिटी की समस्याएं बता रहा हूँ मैं, सारी समस्याएं आपको एक तरफ से
आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियाँ क्या क्या है जो हमें पढ़नी है, हम इसे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक चुनौती को बहुत डिटेल से एक एक चुनौती को पढ़ेंगे। सबसे पहले चैलेंज क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के सामने, धार्मिक कट्टरवाद। मैं इसे समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, शायद इसके बाद आपको ऐसा नहीं होगा कि आप गड़बड़ होंगे। कट्टरवाद यदि आपके अंदर है तो इसे दूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एग्जाम के अंदर घुसने नहीं देगा, ठीक, धार्मिक कट्टरवाद। दूसरी समस्या देश के अंदर है आतंकवाद। आतंकवाद पूरे विश्व की समस्या है, लेकिन हमारा देश, पूरा देश, देखो धार्मिक कट्टरवाद से पूरा देश ग्रसित है, आतंकवाद समस्या से पूरा देश ग्रसित है, पूरा का पूरा देश ग्रसित है, ठीक है। इसके बाद तीसरी समस्या है आंतरिक सुरक्षा को लेकर के, वो है नक्सलवाद। देश की सबसे बड़ी समस्या यदि कोई कही जा सकती है तो नक्सलवाद है। नक्सलवाद से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी चीज़ें आगे जाके की जुड़ गई। नक्सलवाद एक प्रॉब्लम है जिसको आगे चल के माओवाद ने, माओवाद यानी माओसोतंकी विचारधारा ने, वामपंथी उग्रवाद ने यानी साम्यवादियों की उग्र विचारधारा ने, वामपंथी उग्रवाद, उग्रवाद, ठीक, ये दो विचारधाराओं ने और इसका अतिक्रमण कर लिया और इसको अपने कैप्चर में कर लिया। इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगली विचारधारा है आपकी उग्रवाद। उग्रवाद इसको बोलते हैं मिलिटेंसी। मिलिटेंसी का मतलब मैं आसान भाषा में समझाता हूँ, जब किसी क्षेत्र में कोई संगठन अपने आप को सेना, अपने आप को अस्त्र शस्त्रों से लैस कर ले और राज्य के खिलाफ खड़ा हो जाए, जैसे कि जम्मू कश्मीर में है ना, बहुत सारे ऐसे संगठन वहाँ पे, छोटे छोटे अलगाववादियों का एक संगठन है जिसने अपने आप को अस्त्र शस्त्रों से लैस कर लिया है और राज्य के खिलाफ खड़ा हो गया है ना, ये आपका उग्रवाद जैसी समस्या है, ठीक है। तालिबान जैसे देखते हैं ना, एक उग्रवाद, वो हमारे देश की समस्या नहीं है, एक वैश्विक वो आतंकवाद के अंतर्गत उसे रखते हैं हम, उग्रवाद। एक प्रॉब्लम आपकी है विप्लववाद। विप्लववाद क्या है इसको भी समझाता हूँ मैं आसान भाषा में, देखो अभी थोड़ा थोड़ा चीज़ें समझाऊंगा। विप्लववाद का मतलब है जब किसी क्षेत्र के स्थानीय लोग, जब किसी क्षेत्र के स्थानीय लोग उस राष्ट्र के, जिस राष्ट्र में वो रह रहे हैं, के संविधान को नकार दें। समझिए फिर से, जब किसी क्षेत्र के स्थानीय लोग जिस राष्ट्र में वो रह रहे हैं उस राष्ट्र को, राष्ट्र के संविधान को नकार दें और अपने आप को एक अलग राष्ट्र के रूप में देखना प्रारंभ कर दें, इसे विप्लववाद कहते हैं। जैसे कि पूर्वोत्तर भारत में, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारी स्टेट हैं जिसमें नागालैंड में नागा विप्लववाद की पूरी समस्या है। नागा चाहते हैं, अब तो पूरा, जब मैं पूरी कहानी आपको पढ़ाऊंगा, बहुत सारे निगोशिएशंस हुए फिजो हंगामी के नेतृत्व में बहुत बड़े स्तर पे, तो आज जा करके ग्रेटर नागालैंड की मांग आ चुकी है। तमिल ईलम की समस्या के बारे में आप जानते ही होंगे, ईलम वगैरह आपको पता है ना, जितने भी तमिल क्षेत्र हैं वहाँ पर भी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है नहीं। यहाँ पे खालिस्तानी प्रॉब्लम आपने सुना होगा, खालिस्तान को लेके अभी कल परसों पंजाब के मुख्यमंत्री जी का इस चीज़ को लेके बयान भी आया था कि पाकिस्तान जो है ड्रोन के माध्यम से भारत को अस्त्र शस्त्र मुहैया करा रहा है, जो खालिस्तान से जुड़े हुए लोग। तो जब किसी क्षेत्र के स्थान, ये एक अलग प्रॉब्लम है वैसे, इसके बारे में भी चर्चा करूँगा। देखो हमारे देश में इंदिरा गांधी सरकार, इंदिरा गांधी जी तो इंटरनल सिक्योरिटी को समाप्त करते करते ही वो ख़त्म हो गए, राजीव गांधी इंटरनल सिक्योरिटी को समाप्त करते करते उनका भी है ना, दो प्रधानमंत्री देश ने खोए हैं आंतरिक सुरक्षा को समाप्त करने के एवज में, ठीक है। तो इंटरनल सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो देश के हर हिस्से में फैली हुई है कहीं ना कहीं पे। तो ये हो गई आपकी विप्लववाद। और क्या है, और क्या क्या प्रॉब्लम है इंटरनल सिक्योरिटी के पास? विप्लववाद को ही अलगाववाद कहते हैं। साइबर सुरक्षा, ये भी आपका आंतरिक सुरक्षा के ही अंतर्गत आता है, ये भी समझ लीजिए। देश के अंतर्गत जितना भी हमने, अब आज के टाइम पे सब कुछ तो कम्युनिकेट इंटरनेट के माध्यम से ही होता है, तो साइबर सिक्योरिटी को भी इंटरनल सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम समझा जाता है। और क्या क्या है, सीमा प्रबंधन। अब देखो सीमा प्रबंधन ये भी आंतरिक सुरक्षा की एक चुनौती है। हमारे देश की जो सीमाएं हैं, एक तो बहुत सारे देशों से लगती हैं,
इधर पाकिस्तान है, फिर अफगानिस्तान है, फिर चाइना है, फिर नेपाल है, फिर भूटान है, फिर बांग्लादेश है, फिर म्यांमार है ना। नीचे जलीय सीमा आपकी मालदीव से लगती है, श्रीलंका से लगती है, फिर विस्तारित पड़ोस में जाएंगे तो पूरी की पूरी आसियान कंट्रीज़ हैं। तो भारत में बहुत सारे देशों की सीमाएँ स्थल और थल दोनों, जितनी ज़्यादा सीमाएँ होंगी उतनी ज़्यादा समस्याएँ होंगी, ठीक है, जितनी कम सीमाएँ होंगी उतनी कम समस्याएँ होंगी। तो भारत में जलीय और स्थलीय सीमाओं का प्रबंधन करना भी आंतरिक सुरक्षा के अंतर्गत एक बड़ी समस्या है, ठीक है, एक ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट, और क्या प्रॉब्लम है? यही है, कट्टरवाद में सांप्रदायिक दंगे आते हैं, सांप्रदायिकता इसी में आती है, ठीक है। और क्या प्रॉब्लम है? अगली प्रॉब्लम है आपकी संगठित अपराध, संगठित अपराध। संगठित अपराध में आपके जितने भी तस्करी हैं, जितनी भी, वो सब इसी के अंतर्गत आती हैं, चाहे मानव की तस्करी हो, चाहे है ना, बहुत सारी जितनी भी स्मगलिंग है सब इसी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा संगठित अपराध के बाद आर्थिक अपराध, आर्थिक अपराध, व्हाइट मनी को ब्लैक मनी, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी, धन मनी लॉन्ड्रिंग आपने सुना है, हवाला कारोबार, या फिर आर्थिक भगोड़ापन, पैसा लेके भाग गए कुछ लोग, है ना। तो ये पूरा इंटरनल सिक्योरिटी के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें से प्रमुख प्रॉब्लम देखा जाए तो इसमें से कोई भी प्रॉब्लम अपने आप में छोटी नहीं दिखेगी आपको। सब प्रॉब्लमों का एक अपना स्वरूप है जो समय समय पर देश के अंदर उजागर होती रहती हैं और देश के विकास को, अब देखो एक पहली ही लाइन थी आपके सिलेबस में, विकास वर्सेज उग्रवाद, क्या वो देश जो इतनी सारी समस्याओं से ग्रसित है क्या अपना विकास कर पाने में सक्षम होगा कि नहीं, बताइए, क्या वहाँ पर डेवलपमेंट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। हाँ, चैलेंज है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। और भारत जो आज इस कंडीशंस में है, इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि भारत में उग्रवादी समस्याएं, ये जब से भारत का जन्म हुआ उसने भारत के विकास को अवरोधित किया है। दोनों का आपस में, इसको बिल्कुल अंत में समझोगे, जब लास्ट में मैं क्लोज कर रहा हूं पूरे विषय वस्तु को, तो फिर आप इसको समझ जाओगे अपने आप, ठीक है। तो ये भारत में आंतरिक सुरक्षा की प्रमुख समस्याएं हैं जो मैंने अभी आपको गिनाई, इतनी प्रॉब्लम्स हैं। तो दो चीज़ें आपने अभी समझी मेरे साथ, पहली चीज़ समझी आपने कानून व्यवस्था के बारे में, आपने अच्छे से समझा, ठीक है, और फिर आपने समझा आंतरिक सुरक्षा के बारे में। प्रॉब्लम समझी, क्या क्या प्रॉब्लम है, ठीक। अब समझते हैं कि इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को हल कैसे किया जा रहा है, कैसे हमारे पास एक पूरा का पूरा तंत्र विकसित है। देखो अब यहाँ पे अलग कर देता हूँ आपको कुछ चीज़ें। आंतरिक सुरक्षा कौन देखता है? आपका गृह मंत्रालय। गृह मंत्रालय के अंतर्गत पूरा देश की इंटरनल, नाम ही है उसका गृह मंत्रालय, तो जितना होम मिनिस्ट्री का काम है वो है। यहाँ पे आप रक्षा मंत्रालय को इंटरन मत करिएगा, डिफेंस मिनिस्ट्री का काम अलग है, वो इंटरनल सिक्योरिटी की प्रॉब्लम को उसके अंतर्गत नहीं हल करता, वो देश की सीमाओं को, जब युद्ध जनिक परिस्थितियां होती हैं तब रक्षा मंत्रालय एक्टिव हो जाता है, देश की वायुसेना, थल सेना और नौसेना जो होती है उसको इसके अंतर्गत मत जोड़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे गृह मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय, क्या गृह मंत्रालय रक्षा मंत्रालय से आंतरिक सुरक्षा को मेंटेनेंस करने के लिए मदद ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है ना। तो एक दूसरे से समन्वय, कोऑर्डिनेशन बना के रखते हैं, लेकिन रक्षा मंत्रालय का काम है देश की रक्षा करना, रक्षा करना युद्ध जनिक परिस्थितियों में, ठीक। आप लोगों ने देखा होगा पुलवामा अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक में आपने देखा होगा कि एक पूरा माहौल बनाया गया, माहौल बनाया नहीं गया, माहौल बन गया पूरा का पूरा, देश में बहुत सारी सेनाएं, आपने देखा होगा कि जितनी भी इंडियन आर्मी थी, आपके घर से कोई आर्मी का पर्सन होगा तो सब बॉर्डर्स में पहुंचने चालू हो गई इंडियन आर्मी, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा पहले समझते हैं, गृह मंत्रालय का काम होता है, गृह मंत्रालय अब काम कैसे करता है,
गृह मंत्रालय के पास बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं, जम्मू कश्मीर का मामला भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत ही आता है, तभी जम्मू कश्मीर को पूरा का पूरा जितना भी है होम मिनिस्ट्री के थ्रू ही उसे सॉल्व किया गया है। ठीक है, अब इसके अंतर्गत आंतरिक सुरक्षा को मेंटेनेंस करने के लिए क्या क्या संस्थाएं हैं जो ये काम करती हैं? बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को गृह मंत्रालय के द्वारा मेंटेनेंस करने के लिए काम करते हैं। पहले हैं हमारे सुरक्षा बल। बहुत सारे सुरक्षा बल होम मंत्रालय के पास हैं। ठीक, जैसे राज्य सरकारों के पास पुलिस है वैसे ही इनके पास बहुत सारे सुरक्षा बल हैं। अभी देखेंगे कौन कौन से सुरक्षा बल हैं। ठीक है, अगला, बहुत सारी गुप्तचर एजेंसी हैं जो आंतरिक सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी हैं। बहुत सारी जांच एजेंसियां हैं और बहुत सारे देश में ऐसे कानून बनाए गए हैं जिन कानूनों के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को मेंटेन किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं सुरक्षा बलों पे कि कौन कौन से सुरक्षा बल हैं जिनके माध्यम से काम किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा बल, इन बलों में से कुछ का काम है सीमा प्रबंधन। ठीक, भारत पाकिस्तान और भारत दोनों की सीमा, बांग्लादेश और भारत की सीमा, ये मेंटेनेंस का काम किया गया है बीएसएफ के द्वारा, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ये 1965 में जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उसके बाद बनाई गई थी। इसका काम है इन दोनों देशों की सीमाओं में सिक्योरिटी प्रदान करना। स्पेशली इसको इसीलिए ट्रेंड किया जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे जो बॉर्डर है ना, ये बॉर्डर आपकी है कैसे, पहले आपका दलदली क्षेत्र से रन ऑफ कक्ष से निकलते हुए मरुस्थलीय क्षेत्र में प्रवेश करती है, मरुस्थलीय क्षेत्र से फिर मैदानों में पहुंचती है, मैदानों से फिर पहाड़ों में पहुंचती है। तो अलग अलग चैलेंजेस हैं इस पूरे बॉर्डर के। यहाँ पे तो अब बॉर्डर की काफ़ी फेंसिंग हो चुकी है लेकिन पूरा नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश की बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। अभी आप देख रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का मामला बड़ा गर्म भी चल रहा है एनआरसी को लेकर के। तो बांग्लादेश की बॉर्डर पहले अविच्छिन्न थी, अब धीरे धीरे फेंसिंग हो चुकी है काफ़ी हद तक। तो पूरा का पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है, पूरा चारों तरफ से नॉर्थ ईस्ट के स्टेट लगते हैं, चाहे असम हो, चाहे मेघालय हो, चाहे त्रिपुरा तो तीन तरफ से बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे बीएसएफ आपकी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है जिसका काम है भारत पाकिस्तान भारत बांग्लादेश की सीमा का प्रबंधन करना। अगली फोर्स है यहाँ पे आपका, नेक्स्ट है यहाँ पे, देखो एक चीज और मैं बताऊँ, दो तरीके की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं होती हैं, दो तरीके की। एक होती है FDL, FDL का मतलब है फॉरवर्ड डिफेंस लाइन, और दूसरी IBL, इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन। एक होती है आपकी इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है ना दो देशों के बीच में, ये होती है IBL आमतौर पर। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा पर ही दो देशों की सीमा जो सेनाएं होती हैं वो आपस में है ना, वहीं पर ही सुरक्षा तंत्र जो है वहीं पर डेवलप होता है। फेंसिंग होती है, फेंसिंग के इधर एक पेट्रोलिंग चल रही होती है, फेंसिंग के उधर अपनी पेट्रोलिंग चल रही होती है, बीच में एक स्पेस प्रॉपर छोड़ा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे IBL जो है, देखो भारत पाकिस्तान की जो ये बॉर्डर है यहाँ पे IBL नहीं है, भारत बांग्लादेश की बॉर्डर में IBL है, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन कहते हैं इसे। ये आपका FDL है, फॉरवर्ड डिफेंस लाइन है। क्यों? क्योंकि भारत का जो हिस्सा है वो पाकिस्तान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया गया है और इसको हमने जो LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको हमने FDL का दर्जा दिया है। हमने क्या कर रखा है कि जहां पर पाकिस्तान के द्वारा पाकिस्तान की सेनाएं जो है यहां तक आ चुकी हैं, जो अवैध रूप से लगी हुई, यदि हमने इसको IBL का दर्जा दे दिया, इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का दर्जा दे दिया, तो इसका मतलब है भारत ने है ना जो POK का वो क्षेत्र जो पाकिस्तान के पास है उस क्षेत्र को हमने है ना मान लिया कि पाकिस्तान के पास अब फाइनली चला गया। तो ये IBL यहाँ पे जितनी भी चेक पोस्ट हैं उनको हमने FDL का दर्जा दे रखा है। ठीक है, तो ये अलग है, जब अभी देखेंगे आगे चल के। ये हो गया आपका यहाँ पे BSF के द्वारा पाकिस्तान और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसको गार्ड किया जाता है। चाइना से एक बहुत बड़ी बॉर्डर लगती है जिसको ITBP एक संस्था है
आईटीबीपी के द्वारा इसको गार्ड किया जाता है। ये चाइना के साथ जितनी बॉर्डर लगती है सारी हिमालयन रीजन पे है, तो इन जवानों को इस प्रकार से ट्रेंड किया जाता है ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में ये अच्छे तरीके से, है ना, वहाँ की चुनौतियों को, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों की चुनौतियाँ अलग होती हैं, तो इनकी ट्रेनिंग अलग होती है। और ये आपदा प्रबंधन का भी काम करते हैं। आप लोग याद करिए, जब उत्तराखंड में केदारनाथ त्रासदी आई थी तो आईटीबीपी और एनडीआरएफ के जवानों ने मिलकर ही पूरा ऑपरेशन चलाया था और इन्होंने इस पर काम किया था। तो आईटीबीपी आपका जो है ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के नाम से है। आईटीबीपी का काम है कि यहाँ पर सीमा को गार्ड करना, यानी सीमा सुरक्षा के लिए भारत पाकिस्तान, भारत बांग्लादेश बीएसएफ, भारत चाइना के लिए आईटीबीपी, भारत नेपाल और भारत भूटान, यहाँ पे दो छोटे छोटे देश हैं, तो भारत नेपाल के लिए यहाँ पर रखा गया एसएसबी, सशस्त्र सीमा बल। ठीक है, अब एसएसबी तो काफ़ी अस्त्र शस्त्रों से लैस कर दी गई, नहीं तो पहले एक डंडा रखते थे इतना छोटा सा, ठीक है, लेकिन जब से यहाँ पे बड़े स्तर पे अब देखा जाए तो ये गतिविधियों का केंद्र बनता जा रहा है नेपाल। बड़े स्तर पे यहाँ पे गतिविधियाँ होती हैं, आतंकवादी भी यहाँ से प्रवेश होते हैं भारत के बॉर्डर पर। जो आपका पटना की रैली थी नरेंद्र मोदी जी की, पटना की रैली में 2014 में बम विस्फोट, बम कांड हुआ था, वो सब यहीं से आए थे, नेपाल बॉर्डर से ही आए थे, बिहार में प्रवेश करके, यूपी में प्रवेश करके। तो यहाँ पे ये पूरा सक्रिय हो चुके हैं। तो यहाँ पे एसएसबी रहे, ठीक है, इसका काम है कि यहाँ की बॉर्डर को गार्ड करना। ठीक है, एक बनाई गई है नॉर्थ ईस्ट में आपकी, यहाँ पे असम राइफल नाम है इसका। नॉर्थ ईस्ट में भारत म्यांमार की सीमा को गार्ड करने के लिए असम राइफल करके एक सशस्त्र बल है, इसका काम है कि यहाँ की, तो ये स्पेशलाइज उसी तरीके से इनको ट्रेंड किया जाता है, बीएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी और असम राइफल्स। ये तो हो गई कुछ फोर्स। इसके साथ साथ पूरे देश के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फोर्स बल बनाया गया है जिसका नाम है सीआरपीएफ। ठीक है, इसमें से कुछ ये देश के आंतरिक हिस्सों में जो भी चैलेंजेस होंगे, ये तो बॉर्डर के लिए अलग बना दिया गया, बॉर्डर के लिए बीएसएफ है, आईटीबीपी, एसएसबी, असम राइफल है। ठीक है, और नीचे जो है तट रक्षक बल बना दिया गया, इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया है, वो अलग है, उनका तटों की रक्षा करनी है। देखो यहाँ पे इंडियन आर्मी नहीं है, लेकिन इंडियन आर्मी भी है कश्मीर में, ऐसा नहीं है, इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन कर, इंडियन आर्मी भी है वहाँ पे बाकायदा उनके, है ना। तो लेकिन जो स्पेशलाइज्ड है बीएसएफ की पूरी के पूरी जिम्मेदारी है। तो यहाँ पे सीआरपीएफ का काम है देश के आंतरिक हिस्सों में, ठीक है, देश के आंतरिक हिस्सों में जो भी प्रॉब्लम है, जैसे नक्सली समस्या है, यहाँ पर आपको सीआरपीएफ मिल जाएंगी। इनकी एक विशेष बटालियन होती है जिसको कोबरा बोलते हैं, कोबरा बटालियन, है ना। जैसे देश के अंतर्गत कोई दंगे का माहौल बन रहा हो, वहाँ पे सीआरपीएफ की एक बटालियन होती है, इसको रैप बोलते हैं, रैपिड एक्शन फोर्स, ये पहुँच जाते हैं, खतरनाक होते हैं, नीली ड्रेस में, है ना, आप देखेंगे इनके ड्रेस नीली, लंबे चौड़े जवान होते हैं, जो लंबे चौड़े जितने भी, और ये एक बार यदि जब वहाँ पे परेड कर दें तो आधे से ज़्यादा दंगे ही तो भाग जाते हैं इनको देख के। ठीक है, तो जब वहाँ पे ड्रिल करते हैं तो ड्रिल का, और इनके पास एक डंडा होता है प्लास्टिक का, वो एक बार पड़ता है तो उसके बाद आदमी भाग नहीं पाएगा, बस एक पड़ जाए उसके शरीर में तो सब भूल भाल के, है ना, वो भी गिर ही पड़ेगा वहाँ पे। ठीक है, उसमें करंट भी दौड़ता है, हाँ, उसमें फिर भाग, वो भागने की संभावना को ही ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका एक हो गया सीआरपीएफ। तो इसका काम होता है देश के अंतर्गत चुनाव के टाइम पे, जब चुनाव होते हैं, चुनाव में इस फोर्स को लगाया जाता है, तो इनका काम होता है कि देश के अंदर जो भी चीज़ें हैं सीआरपीएफ को उस तरीके से ट्रेंड किया गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक रिजर्व पुलिस फोर्स है। ठीक, इसके बाद एक है आपका सीआईएसएफ, ये आपके औद्योगिक संस्थानों के लिए बनाया गया है। जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं देश के बड़े बड़े, चाहे वो एयरपोर्ट हो, चाहे वो रेलवे या मेट्रो स्टेशन हो, या फिर और भी जो भारत के ONGC, गेल, सेल, भेल, ये जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, उन सब की सुरक्षा की जिम्मेदारी सीआईएसएफ को दी गई है। ठीक है, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण आपका सुरक्षा बल है, जिसके द्वारा जितने भी देश के औद्योगिक संस्थान हैं उनकी जिम्मेदारी ये निभाता है। ठीक है, इसके अलावा एक बहुत ही आतंकवादियों को लेकर के, आतंकवादी विरोधी दस्ता के रूप में NSG के नाम से, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है, एक दस्ता बनाया गया है। जब देश में आतंकवादी हमला होता है तो इनकी मुख्य भूमिका होती है कि इसको जाकर के वो, इनको उसी प्रकार से ट्रेंड किया जाता है।
एनएसजी के बाद जो है दूसरी एक महत्वपूर्ण है एसपीजी के बारे में आपने सुना होगा, इस समय तो बड़ा चर्चा में रहा है ना। क्या है ये एसपीजी? प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी के लिए एक, हाँ, एक स्पेशल दस्ता बनाया गया है एसपीजी। जब से दो प्रधानमंत्रियों की हत्या हो गई उसके बाद से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्था बनाई गई। इसका काम है कि देश के प्रधानमंत्रियों को उच्च स्तरीय सुरक्षा प्रदान करना, ठीक है। एक ये संस्था है आपकी, ठीक है। तो ये देश की कुछ बड़ी बड़ी संस्थाएँ हैं, बड़े बड़े बल हैं जिनका काम है कि देश के अंदर आंतरिक सुरक्षा पे चुनौती को संभालना। ये तो हो गई आपकी सुरक्षा बल, जितने भी सुरक्षा बल हैं उनमें इनका, ठीक है। सुरक्षा बल के अलावा अब कौन है, ये हो गए आपके प्रमुख सुरक्षा बल। इसी के साथ कुछ गुप्तचर एजेंसियां बनाई गई हैं, ठीक है। जैसे कि एक गुप्तचर एजेंसी है जिसका नाम है आपका रॉ, ठीक। इसका काम है भारत के बाहर विदेशों में जो भारत विरोधी भावनाएं चल रही हैं, भारत के खिलाफ जो वहाँ पे षड्यंत्र चल रहे हैं, उन सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश करना, ये रॉ का काम है, ठीक। भारत के बाहर जितने भी भारत विरोधी षड्यंत्र चल रहे हैं, भारत की संप्रभुता को क्षति पहुँचाने के लिए सक्रिय हैं, उन सभी का पर्दाफाश करना, उनको उनके बारे में जानकारी खुफियागिरी करना, ये काम रॉ का रहता है। इसको काफ़ी मूवियाँ बन चुके हैं, देख चुका आप लोग, ठीक है। रॉ के बाद एक है आपकी आईबी, देश के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है। और आप देखते हो ना कि कहीं पर भी कोई पुलिस नहीं दिखाई देती, कुछ नहीं दिखाई देती, ये लोग हैं जो सारा काम किए हुए हैं, किसी की ज़रूरत ही नहीं। दिल्ली में आप जाओगे आप देखोगे आराम से आप घूम रहे हो, आपको लग रहा हो यहाँ तो कोई नहीं है, कोई भी आके कुछ करके जा सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कुछ भी करके, क्योंकि ये दो आँखें हैं, एक आँख तो ये काम करती, दूसरी और ख़तरनाक आँख है आईबी। आईबी जो है आईबी के नज़र में सब हैं, ये मान के चलिए। तो ये जो है पूरी की पूरी जानकारी, इंटेलिजेंस ब्यूरो का पूरा काम होता है, इनका एक पूरा नेटवर्क है छोटे से लेके बड़े स्तर तक। यहाँ तक मैं कहूँ कि आप लोग भी नज़रों में हैं, ठीक है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो आईबी की नज़र से बाहर हो, देश का एक एक नागरिक सब इनके नज़रों में है, ठीक है। तो एक बहुत बड़ा सुरक्षा नेटवर्क जो है आईबी के द्वारा, और इतनी सारी घटनाओं की बारंबारता ये आईबी ही रोक पाने में सक्षम है, ठीक है। तो इसका एक राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रिड भी बनाया गया है, उसके बारे में भी पढ़ेंगे हम। इसके अलावा एक संस्था बना दी गई है, आतंकवादी विरोधी संस्था है ये भी, आतंकवादी घटनाओं में जांच करने के लिए संस्था बनाई गई है, इसका नाम है एनआईए। जब कभी भी ऐसा होता है कि देश में आतंकवादी हमले होते हैं, उस हमलों के बाद जो है ये संस्था एक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, और इसको भी इसी उद्देश्य से बनाया गया कि आतंकवादी हमलों की एक स्पेशली इन्हें इसी तरीके से, ठीक है, वो किया जाता है, ट्रेंड किया जाता है। इसके अलावा जांच एजेंसियों में देखा, गुप्तचर एजेंसियों में और भी कुछ है, जैसे सुरक्षा मंत्रालय की एक एजेंसी, वो माफ कीजिए वित्त मंत्रालय की एजेंसी है, लेकिन वो अलग हो जाएंगी, इंटरनल सिक्योरिटी की अलग चली जाएंगी, आर्थिक मामलों पर वो देखरेख रखती हैं। इसके अलावा आपकी अगली है जाँच एजेंसियाँ, ये है तीसरे नंबर पर आती हैं जाँच एजेंसियाँ। जाँच एजेंसियों में आपका सबसे बड़ी संस्था CBI, तोता पैरेट नाम दिया इसको सुप्रीम कोर्ट ने, कि एक बंद जो है पैरेट है, इसको जो सेंट्रल गवर्नमेंट सिखा देती बस उतना ही बोलता है, ऐसा आरोप लगाया गया, जो कि काफ़ी हद तक सही भी है, गलत नहीं है। इसका दुरुपयोग भी CBI का बड़े स्तर पे होता है। तो CBI एक बड़ी संस्था है। CBI के बाद जांच के लिए बताइए, हाँ विजिलेंस CBC, ये कर आप लोगों के लिए बनाई गई है, केंद्रीय सतर्कता आयोग जो इतने भी प्रशासनिक अधिकारी उन सब पे नज़र रखती है, और ED, हाँ इन्फोर्समेंट डायरेक्ट, ये बहुत बड़ी संस्था है। आर्थिक भगोड़ापन जितना जो मुद्दे आते हैं ये ED देखता है, प्रवर्तन निदेशालय। और नेक्स्ट और बताइए, और भी है कोई? यही तीन है, जांच एजेंसी में ATS राज्य का है, वो हर राज्य में, वो राज्य अलग है, राज्य में CID अलग है, वहाँ का सिस्टम नहीं, नहीं नहीं अभी याद नहीं है, तो जब यही है तो और क्या याद करेंगे, ठीक है।
हाँ तो और क्या है, देश के इंटरनल सिक्योरिटी में, प्रशासन में कोई ऐसी चीज़ें ना आ जाएं, सीबीसी उस पर नज़र रखती है, तो क्या दिक्कत है इसमें, कुछ प्रॉब्लम है, हटवा दिया जाए, ठीक है, सब उसी के अंतर्गत आती हैं। तो ये हो गई आपकी जांच एजेंसियां हैं, इनका काम है। अब ये सब चीज़ों को आगे धीरे डिटेल से पढ़ेंगे, एक एक में जांच एजेंसी पढ़ाऊंगा, सब कुछ इसी में आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अगला है आपका विशेष कानून। बहुत सारे विशेष कानून पारित किए गए जिनके माध्यम से काम किया जाता है। तो अब कानूनों में क्या क्या कानून हैं इसके अंतर्गत, इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले आपका एक एक्ट है UAPA, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। ये सबसे प्रमुख है, यदि आप कोई ऐसी भी गैर कानूनी गतिविधि करते हुए पाए जाते हैं तो आपको इसके तहत यदि गिरफ्तार किया गया तो प्रिवेंटिव डिटेंशन भी नहीं मिलेगा आपको, है ना। निवारक निरोध कानून है ये, इसके तहत आपको अनुच्छेद 22 काम नहीं करेगा आपका, यानी कि 24 घंटे के अंदर आपको पुलिस के सामने नहीं ले जाया जाएगा, आपको 3 महीने तक कम से कम कायदे से पुलिस अपने, है ना, थर्ड डिग्री के साथ रखेगी। तो UAPA है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है, NSA है, रासुका भी बोलते हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। इसके बाद आपके बहुत सारे कानून बने थे जो जिंदा नहीं रहे, है ना, जैसे कि एक मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट बना था, MISA DIR, वो बनाया गया था आपका इमरजेंसी के टाइम पे, ठीक है, अब ये नहीं रहा। इसी के बाद एक MCOCA बना हुआ था, तो MCOCA भी अब नहीं है। इसके बाद आपका POTA बना था 2002 में, इसे भी वापस कर दिया गया। इसके बाद आपका TADA था, ये भी अब नहीं रहा, ठीक है। तो ये जो एक्ट हैं इनके थ्रू यदि इनके माध्यम से आपको गिरफ्तार किया गया, रासुका आमतौर पे देखते हैं लग जाता है, यदि राष्ट्र विरोधी आप किसी भी गतिविधि में संलिप्त हुए, देश विरोधी आपने बयानबाजी भाषणबाजी भी कर दी तो NSA लग सकता है आपके ऊपर, और रासुका लग गया तो फिर खैर नहीं है आपकी। हाँ देखिए, ये अभियोजन के ऊपर है, जब ये सारा काम पुलिसिंग सिस्टम का होता है, पुलिसिंग सिस्टम का काम है कि आप किस प्रकार की गतिविधि में पकड़े गए हैं, पहली चीज़ तो ये, और उसके तहत चार्जशीट दाखिल की जाती है, उसके तहत आपको रिमांड में लिया जाता है। इसके तहत ये होता है कि आपको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के यदि रासुका लग गया तो फिर 3 महीने तक भी आपको रखा जाता है, पुलिस 3 महीने तक आपको मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत भी नहीं करेगी यदि रासुका के तहत गिरफ्तार करती है। और ये बहुत हाईलाइटेड मुद्दा होता है, अब तो बहुत पुलिस ऐसे, पहले मिसयूज भी हुआ इसका बहुत ज़्यादा, लेकिन अब मीडिया के सामने इसका मिसयूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये आपके प्रमुख कानून हैं जिनके माध्यम से ये 4 महत्वपूर्ण फीचर हैं जो इंटरनल सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए कार्य करते हैं, जिसमें से सुरक्षा बल आपके हैं, गुप्तचर एजेंसियाँ हैं, जाँच एजेंसियाँ हैं, और आपके प्रमुख कानून हैं। बताओ कोई दिक्कत हो अभी तक में, पैरा कमांडो का क्या काम होता है? स्पेशल फोर्स होती हैं, देखो ये पैरा कमांडो जो है ना, चुनिंदा लोग होते हैं, ये भी सेनाओं से ही लिए जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि इनके लिए सीधी भर्ती होती है, ठीक है। और इनके लिए स्पेशल टास्क होते हैं, इनके लिए स्पेशल टास्क क्या हो सकते हैं, देश की जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं, राष्ट्रीय इमारतें हैं, जैसे कि राष्ट्रपति भवन हो गया, है ना, जैसे कि आपका संसद भवन के लिए एक अलग पुलिस फोर्स बनाई गई है, लेकिन फिर भी, तो इन सब पे वो निगरानी रखना, उनकी समझ वो करना, और जब कभी कोई राष्ट्र के बड़े बड़े जितने भी एक्शन प्लान्स होते हैं उसमें पैरा कमांडो ही जाते हैं, आतंकवादी कोई बड़ी घटना हो गई उसमें भी पैरा कमांडो ही एक्टिव होते हैं, NSG के साथ पैरा कमांडो। तो एक दस्ता होता है, एक अलग दस्ता है, जो कि बहुत कह सकते हैं कि भारत का सबसे सुपर लेवल का है, जब बोलते हैं ना ब्रह्मास्त्र प्रयोग करना है तो ब्रह्मास्त्र में भी पैरा कमांडो आते हैं, जिनकी ट्रेनिंग आप देख लेंगे तो आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत बुरी हालत होती है इनकी, सोने नहीं दिया जाता इनको, कीचड़ के अंदर रखते हैं, पानी के अंदर रहते हैं, हर तरीके की परिस्थिति में जिंदा रह सकते हैं पैरा कमांडो, ठीक है, एक तरीके से मान लीजिए कि खतरनाक, जैसे कि सेक्रेट एजेंसी बनाई गई अमेरिका में, वैसे ही हमारे देश में पैरा कमांडो है। हाँ, ये सिक्योरिटी के बारे में पढ़ेंगे, सिक्योरिटी भी कई प्रकार की सिक्योरिटी है, Z+ सिक्योरिटी है ना, Z सिक्योरिटी है, X, Y, वो पढ़ेंगे अलग अलग सबका, हाँ इसी में अंतर्गत आएगा BBIP। मैं जब आपको एक एक फोर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, जैसे अब CRPF है, कहीं पर वो BBIP सुरक्षा को देती है, कहीं पर सब देती हैं, सब उसमें तो फोर्स के अंदर ही हम पढ़ेंगे, ठीक है।
तो ये आपका इतने मुद्दे हैं जिनको हमें पढ़ना है। इसके साथ साथ साइबर अपराध हम पढ़ेंगे, आर्थिक अपराध पढ़ेंगे और इससे जुड़े हुए जितने मुद्दे हैं वो मुझे पढ़ाने हैं। तो ये आपका मोटा मोटी सिलेबस है, इससे बाहर कुछ नहीं है। इतने में ही क्वेश्चन लगातार बार बार पूछता रहता है, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन पूछता, अभी लेटेस्ट वाला क्वेश्चन हो तो मुझे बताइए, लेटेस्ट जो अभी आया है वो हो तो मुझे दीजिए, किसी के पास हो, किसी भी रूप में हो उस रूप में दें। लेटेस्ट वाला जो क्वेश्चन पेपर है वो दीजिए, तो उससे थोड़ा सा बहुत क्लियरली आप समझ पाएंगे कि जितनी भी चीज़ें हैं। और मैं ये चीज़ तय बताता हूँ, ये हम ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 20 दिन का सेशन रहेगा, 20 दिन में मैं आपका पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगा। 20 दिन मेरे साथ रहोगे, आंतरिक सुरक्षा से एक भी क्वेश्चन आप गलत करके नहीं आओगे, सारी चीज़। हाँ, कंटिन्यू मतलब छुट्टियाँ तो होंगी और क्या? नहीं सर, हाँ हाँ, क्वेश्चन पढ़िए। अच्छा, आप ही पढ़िए, एक एक क्वेश्चन पढ़ते जाइए। भारत सरकार ने हाल ही में विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, ये करंट से जुड़ा हुआ है, ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है लेकिन इंटरनल सिक्योरिटी का है, तो यूएपीए बिल पे आता है, तो हमें एक एक बिल देखना होगा जो भी बिल अभी है। अब जैसे करंट में था तो करंट अफेयर्स में आपको पढ़ा भी होगा, पढ़ाया भी गया होगा। हाँ, पूरा पढ़िए। यूएपीए 1967 और एनआईए अधिनियम के संशोधन के द्वारा आतंकवाद रोधी कानूनों को मजबूत कर दिया है। मानवाधिकार संगठनों द्वारा विधि विरोध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम का विरोध करने के विस्तार और कारणों पर चर्चा करते समय वर्तमान सुरक्षा परिवेश के संदर्भ में परिवर्तनों का विश्लेषण कीजिए। यदि करंट में आपको पता होगा तो ही लिख पाएंगे, ठीक है? यूएपीए अधिनियम में क्या संशोधन हुआ है ना, एनआईए बिल पे क्या हुआ है, तो यदि पता होगा तो ही कर पाएंगे, ठीक है? नेक्स्ट, अगला। उत्तर पूर्वी भारत में उपलब्धियों की सीमा के आर पार आवाजाही सीमा की पुलिसिंग के सामने अनेक सुरक्षा चुनौतियों में से केवल एक है। करंट अफेयर्स। भारत म्यांमार सीमा के आर पार वर्तमान में आरंभ होने वाली विभिन्न चुनौतियों का परीक्षण कीजिए, साथ ही चुनौतियों का प्रतिरोध करने के कदमों पर चर्चा कीजिए। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो, भारत म्यांमार की सीमा, थोड़ा सा चलो इस पे चर्चा इस पे कर ही लेते हैं, थोड़ा सा कर लेते हैं, बस ज़्यादा नहीं करेंगे। भारत म्यांमार की बीमा को कुछ सीमा को कुछ स्पेशल बनाया गया है, ऐसी सीमा हमारे देश में किसी के साथ भी नहीं है जितना म्यांमार के साथ बनाया गया है। काम है असम राइफल्स का इसे प्रोटेक्ट करने का। देखो, ये सीमा बनाई कैसे गई है, वैसे यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अभी आपने देखा सर्जिकल स्ट्राइक वन से पहले, जो पूरा का पूरा जिसको पहली सर्जिकल स्ट्राइक कहा जाता है, एनएससीएन करके एक संस्था है जो वहाँ पे नागा विप्लवाद को, दो संस्थाएं हैं, एनएससीएन आईएम इसाक मुहिवाक, एनएससीएन खापलांग ग्रुप, दो ग्रुप हैं वो। खापलांग ग्रुप जो है हिंसात्मक हो चुका है और राष्ट्र विरोधी हो चुका है। अभी उसने क्या किया था, आपने देखा था एक ट्रक था, इंडियन जो फोर्सेस थी, उस ट्रक को उन्होंने उड़ा दिया था बम से। उसके बाद जो है संयुक्त कार्रवाई की गई, दो बार कार्रवाई की गई है संयुक्त कार्रवाई, म्यांमार सरकार को कॉन्फिडेंस में रखते हुए इंडियन आर्मी ने जो है दो जो वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक, तो नाम उसको दिया नहीं गया लेकिन दो स्ट्राइक उन्होंने किया जिसमें उस ग्रुप को जा करके वहाँ पे ख़त्म किया है, ठीक है? तो ये एक बड़ा चैलेंज है यहाँ पे। चैलेंज क्या है, देखो ये पूरा इलाका जनजातीय क्षेत्र है, यहाँ पे भी जनजातियाँ, भारत की भूमि है, ठीक है, अराकान योमा, और ये पूरा म्यांमार है। यहाँ पे जो बॉर्डर बनाई गई है, यहाँ पे जनजातियाँ रहती हैं, इधर भी जनजातियाँ, इस क्षेत्र भी जनजातियाँ, इस क्षेत्र में जनजातियाँ। अब बीच में बॉर्डर आ गई, अंग्रेज खींच गए हैं बॉर्डर, है ना? पहले तो बर्मा भारत का हिस्सा ही था या जो भी हो, नॉर्थ ईस्ट में, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन जनजातियों की समानताएँ हैं, तो इन जनजातियों में आक्रोश ना रहे, इन जनजातियों में आपस में, तो इसको क्या कर दिया गया है कि ये बॉर्डर के 15 किलोमीटर अंदर तक, और इस बॉर्डर के 15 किलोमीटर अंदर तक, ये बॉर्डर है, बॉर्डर के 15 किलोमीटर म्यांमार में, भारत के 15 किलोमीटर अंदर तक कोई भी जनजातीय व्यक्ति अबाध रूप से इस सीमा जा सकता है, इस सीमा से इस सामिया जा सकता है। समझ पा रहे हो बात को? इसको पूरी तरीके से ऐसा बनाया गया है कि यहां पर कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा, ठीक है? इसका फायदा उठाते हैं नागो विप्लवादकारी, जो कि है ना, तो उसको लेकर के ही पूरा क्वेश्चन था, एक करंट अफेयर्स का था, क्योंकि अभी हालिया समय में ही कार्रवाई की गई थी। इस तरह क्यों बनाया गया? जनजातियों की समस्याओं के समाधान के लिए। तो सीमा निर्धारित है, उनकी मौसी का घर उधर है तो वीजा लें भारत से, जनजातियां नहीं लेंगी वीजा,
तब तो और विरोध हो जाएगा और विद्रोह हो जाएगा। आपस में उनके जितने भी संबंध हैं, सगे संबंधी एक साथ रह सकें, उनमें जो उनकी संस्कृति है, उनका कल्चर है, आपस में एक दूसरे के साथ साझा कर सकें, उसको विकसित कर सकें, उसके लिए बनाया गया सिस्टम, कुछ गलत नहीं है इसमें, क्या दिक्कत है? पाकिस्तान नहीं मानेगा ना, वो फिर जनजातियों के साथ कुछ ऐसे लोग भेजेगा जो फिर यहाँ भी नहीं बैठ पाएंगे हम, है ना। वो जो तीन चार बार बोलते हैं कि दिल्ली में दोपहर का लंच करेंगे, शाम को जो है उत्तर प्रदेश में लखनऊ में वो डिनर करने लगे, तो फिर क्या होगा, है ना। तो वहाँ नहीं कर सकते। अभी एक कॉरिडोर ही बना है छोटा सा, उसी को लेकर इतना विवाद है, कहीं टैक्स बढ़ा रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ठीक है, चलो वो अलग मुद्दा है। पाकिस्तान के साथ अलग प्रॉब्लम है, म्यांमार के साथ अलग चीज़ें हैं, दोनों के रिलेशंस अलग हैं। म्यांमार में देखा जाए तो यहाँ पर भी एक इसका जो हिस्टोरिक प्रोस्पेक्टिव है ना, यहाँ पर भी जुंटा शासन कई बार लगा, यहाँ पर भी सैन्य तख्तापलट बार बार होता रहा, और भारत सरकार बहुत ज़्यादा म्यांमार से अच्छे संबंध, मतलब उस तरीके के संबंध नहीं है हमारे। क्यों? क्योंकि हम किसी भी देश के सैन्य शासन को सहमति प्रदान नहीं करते। यदि कहीं पर भी सैन्य तख्तापलट होता है तो भारत देश उससे अलग हट जाता है, उस देश से हम। म्यांमार हमारे लिए इम्पोर्टेंट तब बन गया जब हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जारी की, तब से म्यांमार हमारे लिए, चूंकि लुक ईस्ट में पहला देश म्यांमार ही बन गया, तो इस कारण से भारत और म्यांमार के जो राजनीतिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं वो 1990 के दशक से प्रारंभ होते हैं। उससे पहले तो म्यांमार से कोई संबंध भी नहीं थे, और म्यांमार भी अपना, जबकि भारत का अक्षुण अंग रहा एक समय पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अच्छा, करंट अफेयर्स द हिंदू का आर्टिकल है, करंट अफेयर्स है। देखो तीनों क्वेश्चन करंट अफेयर्स हैं, पढ़ना पड़ेगा हमें, देखो ये पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी, लेकिन जितने क्वेश्चन आए हैं अभी इस बार के या पिछले भी देखोगे तो करंट से ही जुड़े हैं। अगला नेक्स्ट, तो साइबर ड्रोन परियोजना क्या है, स्पष्ट कीजिए कि करंट अफेयर्स। भारत में इंटरनेट अपराधों को नियंत्रित करने में या किस प्रकार उपयोगी हो सकता है? ठीक, तो साइबर सुरक्षा से, एक आतंकवाद से, एक एक बिल से क्वेश्चन है, और एक आपका सीमा प्रबंधन से क्वेश्चन है। ऐसे ही कोई ना कोई सब पढ़ाऊंगा मैं। साइबर सुरक्षा तो पूरा का पूरा एक पूरा टॉपिक है, तीन चार दिन सेशन उसी में चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक कि आपके मोबाइल की भी साइबर सुरक्षा के बारे में चर्चा की जाएगी, कि जो मोबाइल लिए बैठे रहते हो आप, इतने अनसक्रिय व्यक्ति हो, ठीक है, मोबाइल में आपको पता नहीं है कि साइबर सुरक्षा को लेकर क्या क्या चीज़ें इससे हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे अवेयर होंगे, धीरे धीरे। अभी हमें इसको, हमें को लगता है कि हमारी जो फोटो अभी फेस ऐप बहुत लोग डाउनलोड किए होंगे, डाउनलोड करने के बाद तुरंत जो है अपना बुढ़ापा देखना शुरू कर दिए, है ना। लेकिन आपको पता नहीं है कि इन चीज़ों से क्या, आपका डेटा कहाँ जा रहा है, आपको उसके लिए करके आपको कोई सक्रियता नहीं है। आपने सब जगह पे एक्सेस दे रखे हैं, हर जगह एक्सेसिबिलिटी ऑन है आपकी मोबाइल की, तो इस पे आप बहुत गतिविधियाँ करते हो, मोबाइल से क्या नहीं करते हो, हो सकता है बहुत सारे स्क्रीनशॉट आपने मोबाइल पे ले रखे हों, है ना। क्लाउड डाटा स्टोरेज जो आया है ना, आपका डेटा कहाँ से कहाँ चला जाता है आपको भी नहीं पता चलता, जितने उसमें पिक्चर रखते हो, बहुत सारे वीडियोस हैं जो सब लीक हो जाते हैं, वो सब इसकी कृपा है। आने वाले समय में पता चलेगा इन सब चीज़ों का, तो उस पर भी चर्चा करेंगे, वो अलग मुद्दा है। तो ये आपका बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आप देख सकते हो चार क्वेश्चन आए, एक क्वेश्चन 10 नंबर या 20 नंबर के, कितने नंबर के हैं देखिए, उसमें 19 नंबर का क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हाँ। एक क्वेश्चन कितने का है, 10 और 15 पे होंगे, तो खींचतान के ये पहुंच गया आपका लगभग 60 नंबर के आसपास होगा, 2 10 के होंगे, 2 15 के होंगे, 10 क्वेश्चन 10 नंबर, हाँ, तो 60 नंबर का आपका ये पहुंच गया। इससे एससे में जाएंगे तो एससे में भी आपको इंटरनल सिक्योरिटी बहुत काम आने वाली है, तो मान के चलो कि 20 नंबर का काम आपका इंटरनल सिक्योरिटी एससे में करेगी, हाँ, तो आप समझ लीजिए और बढ़ गया, कितना हो गया ये 55 नंबर का हो गया, ठीक है, मान लो 60-55 ही है, इनफ है। इसके बाद जो है यहाँ पे 20 नंबर यहाँ पे आपका हो गया, ये हो गया टोटल आपका कितना 75, 20 से 25 नंबर का मटेरियल आप उसमें डालोगे ही डालोगे, और मान लीजिए, और ये फ्री के नंबर हैं, ये भी ध्यान रखना, फ्री के नंबर हैं, आप अच्छे से इनको बहुत इजीली लिख सकते हो, कुछ नहीं है, एक बार यदि चीज़ों को समझ जाओगे यहीं सब पे अच्छा खींच सकते हो आप,
बहुत जनरलाइज करके आप एक बार इकोनॉमी के क्वेश्चन लिखने में आपको थोड़ा सा टेक्निकल होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप बहुत आसानी से उत्तर लिख सकते हो। तो इसलिए ये टॉपिक बहुत छोटा है, कम समय हम पूरे के पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। ठीक, चलो अब आप मैं आज आप लोगों को कुछ चीज़ें पढ़ाता भी हूँ, शुरू भी करते हैं। टाइम कितना हुआ अभी हमारे पास? हाँ हाँ, तो 10 मिनट पढ़ते हैं। तो आंतरिक सुरक्षा की विषय वस्तु को आप प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें मैं आपको, सिलेबस अपना जो है फ्रंट में लिख लीजिएगा, और अब मैं आपको एक एक चीज़ों को समझाते चला जाऊँगा। ठीक है, सबसे पहले हेडिंग डालिए कानून व्यवस्था। से पहले या तो संघीय सिस्टम को एक बार समझ लेते हैं, है ना, उसको भी लिख ही लेते हैं। ठीक है, लिखा रहें तो कानून व्यवस्था, कोई दिक्कत नहीं, उसको एक लाइन से काटने की ज़रूरत नहीं है, काटना चाहो तो काट दो, इसी के अंदर ही हो, कानून व्यवस्था के अंदर ही लिखिए, इसी पे ही लिखवा देते हैं। लिखिए, भारत में संघीय राज व्यवस्था है, जिसमें केंद्र तथा राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है, जिसके अंतर्गत राज्य सरकार का मुख्य काम कानून व्यवस्था को बनाए रखना है तथा आंतरिक सुरक्षा की चुनौती को केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। हर राज्य का अपना एक पुलिस बल है जो राज्य के अंदर कानून व्यवस्था को बनाए रखता है। सभी व्यक्तियों के द्वारा भारत की भूमि पर सभी कानूनों का सम्मान किया जा रहा है। अर्थात उनके सभी कृत्य कार्य आचरण व्यवहार कानून के प्रावधानों के अनुरूप हैं। कानून का निर्माण संविधान संसद द्वारा पारित विधियों राज्य विधायिका द्वारा पारित विधियों विभिन्न नियमों एवं सक्षम प्रशासक के द्वारा दिए गए आदेशों में निहित है।
तो कभी किसी से भिड़ मत जाइएगा। जिसके हाथ में कलम हो उसकी पावर बहुत ज़्यादा होती है ना। एटीट्यूड में आके कहीं कलम वाले से दुश्मनी कर लिए तो फिर वो है ना, वो दिखा देगा कि वो क्या है। चाहे छोटा सा छोटा अधिकारी हो, छोटा सा छोटा कर्मचारी हो, यदि वो सक्षम प्राधिकारी है, उसके पास अथॉरिटी है, तो उससे प्यार से काम निकाल लेना। काम निकालने के बाद कुछ भी कह दो, यदि बाद में दोबारा काम नहीं लेना तो, लेकिन काम लेते समय राजा बाबू कह के काम करवाओ उससे, ठीक है। क्योंकि वो सक्षम प्राधिकारी है, उसका का है ना, उससे ये बहस मत कर दो कि कहाँ लिखा है, मुझे कानून बताओ, कानून बता देगा कि मैं अथॉरिटी है मेरे पास, ठीक है। उसने जो कह दिया सो बॉस इज ऑलवेज राइट, जो बॉस होता है वो सब हमेशा सही होता है। अब ये सोचोगे भ्रष्टाचार का बढ़ावा, भ्रष्टाचार नहीं है। यदि कोई पुलिस वाला, कोई कानून का कोई भी व्यक्ति, यदि वो किसी चीज को किसी भी चीज को लेकर लीगल तरीके से आदेश दे रहा है तो आप उस पर बहस नहीं करिए, नहीं तो फिर आपको अच्छे से 3-4 धाराएं लगाएगा। पहली धारा लगाएगा सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने का कार्य कर रहा है, उसके तहत आपको ठोकेगा, एक मुकदमा ठोक देगा। बहुत आसान है, इसके तहत बहुत जाते हैं। अनुच्छेद 151 लगा दिया जाता है, आपको पता होगा वो, माफ कीजिएगा, सेक्शन 151 सबसे ज्यादा विवादित सेक्शन होता है। सेक्शन 151 होता है कि इस व्यक्ति से समाज को डर हो सकता है, हो सकता है आने वाले समय में ये अपराध करे, इसलिए इसको हम नियंत्रित करना चाहते हैं। अपराध की रोकथाम की प्रक्रिया में हो सकता है अनुच्छेद 151 लगा के अंदर कर दे आपको, जब आने वाले समय में इससे खतरा होगा, इसलिए हम पहले ही इसको प्रिवेंट किए ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे मैक्सिमम केसेस उसमें FIR दर्ज नहीं की जाती है, चुनाव में तो सबसे ज़्यादा लगता है, ठीक है। अंदर करवा दिया जाता है, ऐसे ही होता नहीं तुझे अंदर करवा दूंगा 2 मिनट में, तो पुलिस वाले के पास जाओ 500 की पत्ती पकड़ाओ, 2 मिनट में 151 लगाए खत्म। तो इसीलिए सक्षम प्राधिकारी से बहस मत करो, ठीक है, क्योंकि तो उसका आदेश ही है कानून। नेक्स्ट, अगला पॉइंट, अगला लिखिए, पुलिस के द्वारा और किसी में, पुलिस के द्वारा कानून व्यवस्था पढ़ रहे हैं ना, पुलिस के द्वारा उसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, उसके क्षेत्राधिकार के अंदर, क्षेत्राधिकार उसका थाना होता है या उसकी जो कोतवाली होती है, जो उसकी तहसील होती है, उसका क्षेत्राधिकार सबका निर्धारित होता है, उस क्षेत्राधिकार के बाहर पुलिस नहीं जाती, उसे कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है अगले थाने से, तब जाके उस पर कोऑर्डिनेशन के थ्रू वर्क होता है, ठीक है। उस अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत लोक व्यवस्था के अंतर्गत, लोक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है। लोक व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियों का व्यवस्थित संचालन। अब लोक व्यवस्था के अंतर्गत क्या क्या है, सभी गतिविधियों का व्यवस्थित संचालन, जितने स्कूल चल रहे हैं शांतिपूर्ण तरीके से चल रहे हैं, लोग ऑफिस शांतिपूर्ण तरीके से आ जा रहे हैं, ट्रैफिक सुविधा शांतिपूर्ण है, भीड़ भाड़ ज़्यादा जहाँ पे वहाँ पे लोग आसानी से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। देखते हैं ना, मंदिरों के पास पुलिस मिलेगी आपको, है ना, जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र होंगे वहाँ पे पुलिस आपको मिलेगी। एक उन्होंने अपना खुद का एक दस्ता बना रखा है जो 24 घंटे एक्टिव रहता है, जिसको 100 बोलते हैं, 100 नंबर एक दस्ता ही है पुलिस का, पेट्रोलिंग व्यवस्था, फ़ोन लगाइए आपके ऊपर तत्पर जहाँ भी होंगे आप, है ना। तो जहाँ जहाँ पे संवेदनशील क्षेत्र होते हैं वहाँ पे पुलिस अवश्य उपस्थित होनी चाहिए, जिसके अंतर्गत सभी गतिविधियों का व्यवस्थित संचालन, गरिमापूर्ण अनुशासित जीवन पद्धति, गरिमापूर्ण अनुशासित जीवन पद्धति को विकसित करना है, गरिमापूर्ण अनुशासित जीवन पद्धति को विकसित करना है, है ना। जैसे अभी आप लोग बैठे हो अनुशासित तरीके से, अब पचला आप में से किसी के पैर दर्द हो रहे हैं, वो कुर्सी के ऊपर पांव कर लिया, यह अनुशासित नहीं होगा, है ना, गरिमापूर्ण नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, एक सिस्टम क्रिएट करके चीज़ों को उस तरीके से रेगुलेट करना है। पुलिस इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देती है, निगरानी करती है। अब आप जैसे पुलिस ने कहा कि आप जो सार्वजनिक क्षेत्र है वहाँ पे धूम्रपान नहीं करेंगे, लेकिन नहीं, मेरा फंडामेंटल राइट है, मैं धूम्रपान कर सकता हूँ, पब्लिक में आप शराब नहीं पी सकते, पुलिस इन चीज़ों की निगरानी करती है।
इससे क्या होता है, एक तो दूसरों को भी प्रभाव पड़ता है, धूम्रपान देख के मेरा भी मन कर गया कि अरे मैं भी मार लेता हूँ, तो मेरा क्या हुआ, मैंने भी उससे कुछ सीख लिया। दूसरा, पब्लिक इन्वायरमेंट, वहाँ पे पैसिव स्कीम, दो तरीके की स्मोकिंग होती है, एक होती है एक्टिव, एक्टिव जो कर रहा होता है, और दूसरा जो उसके पास में खड़ा होता है वो भी कर रहा होता है, उसे पता नहीं चलता, ज़्यादा वही कर रहा होता है जो पड़ोस में खड़ा होता है, उसे बोलते हैं पैसिव स्मोकिंग। तो कहीं दूसरे के स्वास्थ्य में उसका दुष्प्रभाव ना पड़े, इन सब चीज़ों को देखते हुए छोटे छोटे बच्चे ना इन चीज़ों को सीखें, तो इन चीज़ों को इलीगल घोषित किया गया, उन पर जुर्माना लगाया गया है, कहीं भी कोई जा करके टॉयलेट ना कर दे, कहीं भी कोई जाके थूक ना दे, इन सब चीज़ों का काम पुलिस का होता है, और ये चीज़ें बना के स्वच्छता बनाए रखना है ना, एक अनुशासित जीवन पद्धति विकसित करने का काम पुलिस का है। ठीक है, आगे लिखे, इसके तहत पुलिस भीड़ भाड़ का प्रबंधन सब लोग व्यवस्था के अंतर्गत आता है। इसके तहत पुलिस भीड़ भाड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, भीड़ भाड़ प्रबंधन, यातायात प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, आपदा प्रबंधन तथा सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित करवाती है। लोक व्यवस्था के अंतर्गत सभी नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा को सुनिश्चित कराती है। तकनीकी तौर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के तहत पुलिस की चार मुख्य जिम्मेदारियां हैं। नंबर एक, अपराध की रोकथाम करना। नंबर दो, अपराध की जांच करना। नंबर तीन, अभियोजन अर्थात आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करना अब इसमें क्या क्या आता है देखेंगे हम लोग, सबको डिटेल से एक एक करके देखेंगे। आरोपी के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करना तथा पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि लोक कानून व्यवस्था को बनाए रखना, मुख्य रूप से प्रभावी भूमिका के तौर पर निभाया जाता है। अब ये सारी चारों बिंदुओं को एक एक करके मैं डिटेल कराऊंगा कल, ठीक है। पहले हम लोग देखेंगे कि अपराध की रोकथाम के लिए पुलिस क्या करती है, फिर इसके बाद पुलिस लोक व्यवस्था बनाने के लिए क्या करती है, अभियोजन के अंतर्गत क्या करती है, सब चीज़ों को एक बार ये देखेंगे, फिर इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो।